एज अभी आप जो विटनेस करने वाले हो, जिस शख्स को, जिस पर्सन को आज मैं लेकर आया हूँ, जिस एक्सपर्ट के साथ आज हम बात करने वाले हैं, वो शख्स, वो पर्सन, वो एक्सपर्ट आज नोबडी से somebody बन चुका है एंड ही cracked द UPSC सिविल सर्विसेस IFS एग्जाम विद ए डैशिंग रैंक ऑफ AIR 15, 15 रैंक ऑल इंडिया लेवल पे UPSC सिविल सर्विसेस IFS में लेकर आना, गाइस एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसा पर्सन जब हमें सिखा रहा है, ऐसा पर्सन जब हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, ऐसा पर्सन जब हमें गाइड कर रहा है, तो मुझे लगता है आप सबको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना चाहिए और कॉपी पेन लेकर वो जो जो बोलेगा, बिकॉज उनके मुंह से निकला एक एक वर्ड आपके लिए रामबाण के समान है। मतलब आपके लिए वो एक एक वर्ड सक्सेस की एक एक सीढ़ी है। तो गाइस एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, इस इंटरव्यू को सीरियसली सुनिए, बिकॉज ये इंटरव्यू आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जिस पर्सन से भी हम बात करने वाले हैं AIR 15, ही ऑल्सो होल्ड्स वन रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द हाइएस्ट मार्क्स इन द केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल इन द मेन्स एग्जाम इन UPSC हिस्ट्री। UPSC की अब तक की हिस्ट्री में केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी के आए हैं तो वो इस पर्सन के आए हैं। तो गाइस दिल थाम के बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, फोन को अगर फोन में देख रहे हो तो फिर सेशन की तरफ देखो, और लैपटॉप में देख रहे हो तो फोन को साइड कर दो थोड़ी देर के लिए, एंड गाइस पूरे फोकस के साथ इस इंटरव्यू को सुनिए, बिकॉज ये जो इंटरव्यू होने वाला है, ये आपके आगे आने वाले जो 6 मंथ है और जो 1 ईयर है, उसमें काफी चीजें चेंज करने वाला है और आपको मोटिवेशन के साथ साथ इंस्पिरेशन देने वाला है। सो गाइस आगे का जो इंटरव्यू है ध्यान से सुनना एंड इसको अच्छे से फॉलो करना। ये प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। तो गाइस उसी प्रिपरेशन में एक बहुत ही तगड़ा झटका आपको देने के लिए, एक मोटिवेशन का डोज देने के लिए, और एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन के बारे में, फेस के बारे में जानने के लिए मेरे साथ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिन्होंने अपनी जर्नी में बहुत कुछ अचीव किया है, और उनकी इस अचीवमेंट से हम इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, मोटिवेशन भी ले सकते हैं, और ये सेशन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इस सेशन को देखने के बाद एक फीलिंग तो आपके अंदर ज़रूर आएगी कि अभी तक जिसे आप चैलेंजेस मानते थे गेट की जर्नी में, एक्चुअली में वो चैलेंजेस कुछ भी नहीं होते, और गेट क्रैक करना तो बहुत ही आसान काम है। बिकॉज जिन एक्सपर्ट से आज मैं बात करने वाला हूँ, उन्होंने गेट के साथ साथ एक ऐसा एग्जाम क्रैक किया है जिसे इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर प्रिंस कुमार सिंह। वेलकम प्रिंस। थैंक यू वेरी मच सर, and thank you for providing me this platform to share my journey and some insights about Indian Forest Services. Great. So Prince, सबसे पहले तो अभी हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, काफी सारे मैं आपसे questions पूछूंगा, but सबसे पहले एक बच्चों को एक brief introduction दे दो कि आप कहाँ से आते हो, आपकी schooling कहाँ से हुई है, आपने BTech कहाँ से की है, और BTech के बाद आप यहाँ तक की जो journey रही है, short में एक बार बता दो, ताकि बच्चे आपसे इंट्रोड्यूस हो जाए और फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके सर, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस कुमार सिंह एंड आई बिलोंग टू सासाराम बिहार, एंड आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम बिहार इटसेल्फ। देयर आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम NIT जलंधर इन ईयर 2020, एंड आफ्टर 2020 आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर UPSC एग्जामिनेशन। एंड ये जो 4 साल थे लगभग 2020 के बाद और ये 2024 में जब ये मेरा रिजल्ट आया, तो इन 4 सालों में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए और मैंने कई सारे एग्जाम्स भी दिए इन सारे जो भी समय था इन 4 सालों का। 2020 में मैंने गेट भी क्लियर किया था, पर उस टाइम पे गेट में उतनी अच्छी मेरी रैंक बनी नहीं थी, जिसके चलते मुझे वो IIT दिल्ली में एस्पायर कर रहा था कि IIT दिल्ली के लिए अगर होता है तो मैं आगे साथ साथ में UPSC का भी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। तो नहीं हो पाया तो फिर मुझे जॉब करना पड़ा, मैं कैंपस प्लेसमेंट लिया था, वहाँ से मैंने
जॉब भी किया। उसके बाद फिर मैंने 9 महीने के बाद जॉब छोड़ दिया और 2021 में मैंने पूरा तैयारी यूपीएससी सिविल सर्विस को बिल्कुल डेडिकेट कर दिया। तो साथ साथ में मैंने कई सारे एग्जाम्स दिए, जैसे मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 177 था और मुझे दिल्ली में पोस्टिंग मिला था एज ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। उसके बाद मैं अभी बिहार सिविल सर्विस के थ्रू मेरा रैंक 222 था जिसमें मेरा जो सिलेक्शन था वो बीडीओ पोस्ट के लिए हुआ और मैं अभी वहीं पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया मैं। और उसके बाद मैं इस साल सिविल सर्विस का भी इंटरव्यू दिया था जिसमें मैं फाइनली रिकमेंड नहीं हो पाया, पर साथ साथ में मैंने फॉरेस्ट सर्विस का भी इंटरव्यू दिया जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 आया विथ केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है। और ये जर्नी दिखने में जितनी खूबसूरत है, मैं जानता हूँ उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, एंड काफ़ी चीज़ें आपने फेस की होगी और अपने आप को आपने मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट द जर्नी सो दैट आप यहाँ पे पहुँच पाए। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने एनआईटी जालंधर से बीटेक किया, 2020 में आप पास आउट हुए, और 2020 एक ऐसा टाइम था जब कोरोना ने भी अटैक किया, इंडस्ट्री पूरी तरह डाउन थी, है ना? तो आई थिंक प्लेसमेंट्स भी उस समय पे शायद नहीं हुई होगी, है ना? सो एट दैट टाइम मतलब आपने किस तरह अपना फोकस डाइवर्ट किया, क्योंकि आपने बताया कि गेट की प्रिपरेशन करी, तो आईटी दिल्ली आईटी बॉम्बे जितना रैंक आपका नहीं आया था, है ना? तो फिर किस तरह से आपने अपने आप को डाइवर्ट किया कि यार नहीं, मुझे नॉन टेक्निकल साइड की तरफ जाना है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एसएससी, मतलब ये जो थॉट होता है कि यही क्यों करना है, तो ये आपको अंदर से कहाँ से आया ये चीज़? और सर जैसे आपने बताया कि 2020 में जो प्लेसमेंट था ये बहुत ही कम हुआ था, चाहे कोई भी कॉलेज हो, हमारे कॉलेज का भी जो प्लेसमेंट परसेंटेज था बहुत कम था, और मेरा प्लेसमेंट हो चुका था। तो जब मैं वहाँ पे गया जॉब करने के लिए, तो वहाँ का जब मैंने वर्क कल्चर देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत ही अकेला सा फील कर रहा हूँ, सोशल लाइफ नहीं है मेरी। जनरली केमिकल इंडस्ट्री में ऐसा ही पाया जाता है कि आपका जो टाउनशिप होता है और आप जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वो बहुत ही दूरी पे होता है, और जो लाइफ बिल्कुल स्टाइल होती है वो बहुत ही सॉलिट्यूड टाइप का होता है, मतलब सिर्फ आप ही दिखेंगे उसके पोटा केबिन में, या फिर आपके कुछ दो तीन लोग जो आपके साथ जो रहेंगे मैनेजर दिखेंगे। तो फिर मुझे ऐसा सही फील बात। हुआ कि जो चीज़ मैं अपने चाहता हूँ लाइफ में कि आगे चल करके मुझे जैसे सोशल सर्विस करना है, मुझे एक सोशल एनिमल बनना है, जैसे मैंने जो सोशल एनिमल होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ वहाँ पे फील नहीं हो पा रहा था। और साथ में ये जो एक होता है कि जैसे सिविल सर्विस एग्जाम देने के बाद एक अलग टाइप का एक आपको मौका मिलता है कि आप सिविल सर्विस में आकर के कई सारे लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं वही ऐसी चीज जो थी मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे इस चीज को छोड़ करके और आगे सिविल सर्विस को ट्राई करना चाहिए। और ये सर सिविल सर्विसेज में मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज में दोनों में मेरा थर्ड अटेम्प्ट था ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी आपने बात बोली कि सबसे पहले तो मैं भी ये चीज बच्चों को बोलता हूँ कि यार जब आप पीएसयू में जाओगे तो आपका जो सर्कल है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि टाउनशिप ही पूरी दुनिया बन जाती है फिर, क्योंकि टाउनशिप में ही रहना है, टाउनशिप में ही पूरी उम्र बितानी है, टाउनशिप से ऑफिस, ऑफिस से टाउनशिप, मतलब ऐसा लगता है कि जो पूरा हिंदुस्तान है वो सिर्फ टाउनशिप ही है, क्योंकि बाहर आना जाना हो ही नहीं पाता है। और दूसरा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अपना जो सर्कल है वो वही अपने आसपास के जो कैबिन में तीन चार लोग दिखते हैं वही रहता है, बट एक ग्रेटर लेवल पे हम इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं, है ना? मतलब एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ इंडिया में हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट एक ग्रेटर लेवल पे कहीं ना कहीं अगर इम्पैक्ट डालना है तो कुछ बढ़कर करना पड़ेगा, कुछ अलग से हटकर करना पड़ेगा। जैसे कि प्रिंस आपने बताया कि आपने डिसाइड कर लिया था बीटेक के बाद कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, सिविल्स की प्रिपरेशन करनी है और इसके में आगे बढ़ना है और एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना है और अपनी लाइफ का एक पर्पस अचीव करना है। बट सिर्फ डिसीजन ले लेना ही काफ़ी नहीं होता है, डिसीजन लेने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से बुक्स परचेज करनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, डाउट्स आए तो कहाँ से डिस्कस करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जो बच्चे अभी ये सेशन देख रहे हैं, इफ दे वॉन्ट टू स्टार्ट फॉर द सिविल्स, सो वट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट? यस सर, सबसे पहले जो ये टफ डिसीजन होता है जॉब छोड़ने का प्लीज। या फिर सिविल सर्विस में आने का, तो ये सबसे ज़्यादा सोचने वाला वक्त होता है, क्योंकि सिविल सर्विस ऐसा एक एग्ज़ाम होता है जिसमें
जो सिलेक्शन परसेंटेज है बहुत कम होते हैं, और कई बिल्कुल सारे बिल्कुल मतलब अबाउट 15 लाख स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं एग्जाम में अपियर करने के लिए, और जो सिलेक्शन परसेंटेज होता है वो 0.01% के आसपास होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर जब मैं ये जॉब छोड़ रहा था केमिकल इंजीनियरिंग में, जब मैं ये अंकलेश्वर में जॉब कर रहा था, तो जब ये जॉब छोड़ रहा था तो उस वक्त कई सारे ख्याल आ रहे थे कि जॉब छोड़ने का मतलब अब मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा। तो आगे का प्रिपरेशन करते वक्त मुझे अपने आप को, हर वक्त अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि नहीं मैं इस एग्जाम में क्यों आया हूँ। सही बात है। तो ये फेलियर से डर तो खैर सबको होता ही है, लेकिन उस वक्त मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि जिस टाइप का मैं लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा था अपने आप से कि मुझे एक सोशल टाइप का अपने लाइफ जीना है, और साथ में कई सारे लोगों के साथ, कई सारे लोगों के जो लाइफ है उसमें एक पॉजिटिव चेंज भी लाना है, एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो ये चीज़ सोच करके मैंने ये जॉब छोड़ दिया था, और जॉब छोड़ते वक्त ये चीज़ मैंने डिसाइड कर लिया था कि कभी पीछे मुड़ करके वापस ये डाउट नहीं करूंगा अपने डिसीजन पे कि मैंने गलत कर दिया। उसके बाद रही बात सिविल सर्विस के एग्जाम की, तो उसके बाद एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया मैं कि आगे आने वाले ओके 2 साल के अंदर मैं क्या क्या करने वाला हूँ और किस तरीके से करूँगा। एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाया मैंने कि किसी भी कंडीशन में मैं 2 साल के अंदर कोई ना कोई अच्छी सर्विस को ले लूंगा, और ये कहीं ना कहीं रोड मैप मेरा काम भी आया। मेरा लगातार लगभग मैंने 3-4 एग्जाम लगातार क्लियर किए उसके बाद। तो सर ये रहा, बाकी जो भी चीजें हैं कि अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चीजों को कैसे पढ़ें, तो सबसे बड़ा चीज जो होता है ये PYQ होता है। अगर ठीक किसी भी है एग्जाम का आप अगर PYQ देखते हैं तो आप उसका पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, खासकर जब लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को अगर देखा जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और साथ में कई सारे टॉपर्स की वीडियोस बनी होती हैं, उनमें उन्होंने बताया रहा होता है कि कौन सी चीज कहाँ से कैसे पढ़नी है। तो इन ठीक सारी है। चीजों को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो बनी होती है और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, तो प्रिंस आज के इस वीडियो से भी हज़ारों बच्चों को हेल्प मिलेगी, हज़ारों केमिकल इंजीनियर्स को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी गेट NPSU के अलावा UPSC को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि वीडियो देखकर हेल्प मिलती है, तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, लाइक कौन से सब्जेक्ट्स के लिए क्या फॉलो करना है ना, कि जैसे मान लो GS की बात करते हैं, मान लो मुझे UPSC की प्री की प्रिपरेशन करनी है ना, तो क्या क्या सोर्सेस रिसोर्सेस को मुझे फॉलो करना चाहिए, कोचिंग करनी पड़ेगी या सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, या यूट्यूब पे कोई कोर्स अवेलेबल है, या ऑनलाइन देखूँ, तो किस तरह से मैं प्रीलिम्स को टारगेट कर सकता हूँ। सर सबसे टफ पार्ट जो ये है सिविल सर्विसेज का, और खासकर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अगर बात किया जाए, तो इसका जो प्रीलिम्स निकालना होता है बहुत ही टफ होता है। सिविल बिल्कुल सर्विसेज के कट ऑफ से लगभग 18 to 20 मार्क्स ऊपर जाता है फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ। तो बिल्कुल इस फेज में अगर देखा जाए तो जो भी स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम लोग रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि 1 मार्क्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ तो 20 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज के कट ऑफ में। तो जैसे कोई भी GS का जो पार्ट हो गया, उसमें जो होता है जो स्टैटिक पार्ट होता है वो लगभग अगर हर एक साल के पैटर्न को देखा जाए तो जो स्टैटिक पार्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया होता है, फिर उसका रुकता नहीं है प्रीलिम्स कभी। ऐसे अच्छा मेरा जो पिछले 2 अटेम्प्ट के बीच में जो गलती ये हुआ था कि मैं स्टैटिक पार्ट को ना पढ़ करके बस रीजन का PT 365 जो सब कोई फॉलो करता था कि नहीं यही करंट अफेयर से बस पढ़ लेते हैं, स्टैटिक पार्ट थोड़ी रिपीट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक पार्ट से आते हैं, तो उस पार्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इंश्योर करना है। और साथ ओके में जो डायनेमिक पार्ट है उसके लिए छोटा मोटा कोई करंट अफेयर्स, UPSC का पेपर में डायनेमिक पार्ट से भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, और जो आते हैं वो बहुत ही अप्लाइड नेचर के होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी जो भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज सबको पता होगा, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को पढ़ लिया जाए, या फिर पॉलिटी ओके के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया जाए, और ओके या फिर इकोनॉमिक के लिए मुन्ना सल का जो PDF आता है वो पढ़ लिया जाए, या फिर इकोनॉमिक के लिए एक शंकर गणेश की बुक आती है वो पढ़ लिया जाए, ओके करंट अफेयर्स के लिए विजन का PT 365 पढ़ लिया जाए, या फिर विजन PT 65 जो सर होता है वो एग्जॉस्टिव वे में होता है, उसको कोई पढ़ लेगा तो फिर लास्ट मोमेंट पे अगर वो रिवाइज करेगा तो उसको फिर कवर हो जाता है वहां से वो। और रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का PYQ देख करके और बाकी NCERTs को रेफर कर सकते हैं।
तो यही सब सारी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। स्टैंडर्ड बुक लिस्ट जो है वो कोई भी खोजेगा, अभी ये मैं यहाँ बताने लग जाऊँ तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ जो है स्टैंडर्ड बुक्स जो है ये हर जगह वो है, मतलब अवेलेबल है, अगर कोई इंटरनेट पे देखे या फिर यूट्यूब पे देखे उसको आराम से मिल जाएगा ये चीज़। ठीक बात है। एंड प्रिंस, सीसेट की अगर बात करें तो सीसेट के लिए क्या बुक्स वगैरह फॉलो करनी चाहिए? और सर सीसेट की जब बात करें तो खासकर मैं बताना चाहूँगा कि 2023 का पेपर इतना टफ आया था कि जो इंजीनियर्स थे, खासकर मेरे तीन तीन फ्रेंड्स जो IIT से थे, तीनों सीसेट में फेल थे। ओहो। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि सीसेट को बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए, खासकर इस साल का पेपर तो खैर आसान आ गया था, लेकिन 2022 का पेपर देखा जाए या फिर 2023 का पेपर देखा जाए तो टफेस्ट पेपर था सीसेट का। तो ओके। सीसेट में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कंप्रिहेंशन का जो पार्ट आता है वो, और साथ में जो वो भी, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो बस मैथ्स किए जा रहे हैं। जिस तरीके का पेपर आया था 2023 में, उसमें वो मैथ्स वाले लोगों को फेल करने के लिए आया था, वो पेपर बहुत ज़्यादा टफ बनाया अच्छा, गया था। तो इस चीज़ का ध्यान ओके। रखना है कि मैथ्स के साथ साथ जो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट है उनको भी अच्छे से एनालाइज करना है, खासकर PYQ को एनालाइज करना है। UPSC जो भी पेपर सेट करता है उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या होता है, या फिर जो एग्जामिनर पेपर को बना रहा होता है वो क्या क्या एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से, कि वो किस आंसर को ज़्यादा करेक्ट करेक्ट मान रहे हैं। ये लगातार पिछले 5 सालों के पेपर को देखने के बाद ये फील हो जाता है सर। ठीक है। कोई कोई मटेरियल आप बताना चाहो एप्टीट्यूड के लिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए? सर मैं जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगा ऐसे किसी मटेरियल को पढ़ने के लिए। बस PYQ जो जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन जो हम लोग पढ़े होते हैं JEE के टाइम पे, उसको रिफाइन ट्यून करना है, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को रिफाइन ट्यून करना है, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब इसके लिए स्टैंडर्ड सोर्स बताना, मतलब फिर वो थोड़ा डेविएट हो जाएगा चीज़ों से, क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्स जैसे SSC का पेपर होता है, CAT का पेपर होता है उसका होता होगा, सिविल सर्विसेज का जो सीसेट का पेपर होता है इसमें स्टैंडर्ड सोर्स मेरे हिसाब से नहीं होते हैं। जो PYQ होता है उसको देख करके जो टॉपिक अपना वीक है उस टॉपिक को पढ़ा जा सकता है। और रही बात, हम जैसे इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं या फिर कोई भी इंजीनियर्स हैं, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखना होता है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को मैंने बोला या फिर एप्टीट्यूड वाले पार्ट को बोला, तो दोनों करने हैं वहाँ पे जा करके। मतलब एक बार PYQs देख ले, PYQs सॉल्व कर ले, और PYQs के हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर सकते हो कि कौन से PYQs मुझसे सॉल्व हो गए हैं और कौन से PYQ मुझसे नहीं बन रहे हैं। यस अब जो सर, PYQs नहीं बन रहे हैं उन टॉपिक्स की लिस्ट बना ले, और उन टॉपिक्स को फिर एक बार जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है एप्टी की उसमें से एक बार देख ले, है ना, और फिर उनके क्वेश्चंस दोबारा ट्राई करना शुरू कर दे। और जब सब क्वेश्चंस बनने लगे PYQs के, तो फिर हम प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन भी काफ़ी सारे सोर्सेस अवेलेबल है, तो वहाँ से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस सर, डेफिनेटली सर। तो आपको प्रिंस क्या लगता है, सी सेट के प्रैक्टिस करने के लिए एप्टी इंग्लिश वगैरह की, हम क्या बाकी एग्जाम्स के PYQs भी सॉल्व करने चाहिए क्या, लाइक कैट के या SSC CGL के? नहीं सर, SSC CGL का अगर पेपर को देखा जाए तो उसका पेपर का लेवल उतना टफ नहीं आता है। ओके ठीक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आप माइंड के अंदर ही ऐसे सोच सोच करके ही सॉल्व कर सकते हैं। है ठीक पर है। सिविल सर्विसेज का जो पेपर आता है वो देखा जाए तो जो JEE एडवांस का पेपर है, जिस हाँ तरीके का परम्यूटेशन कम्बिनेशन वो लोग सेट करते हैं, उस हाँ तरीके में एसेशन रीजनिंग जो सिविल सर्विस का अपना स्टाइल है कि क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, आंसर्स में भी लॉजिक ढूंढेंगे वो, तो UPSC का जो अपना GS का सॉल्व करने का स्टाइल है वो, और साथ में जो JEE का पेपर जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो गए, प्रोबेबिलिटी वाले हो गए या फिर नंबर सिस्टम वाले हो गए कुछ कुछ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन इसमें काम आएंगे। SSC का लेवल मैच नहीं करता है, मुझे लगता है CAT का जो लेवल है उसमें क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े आते हैं, जो उसके स्टेटमेंट आते हैं बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो वो चीज़ सिविल सर्विस में नहीं आते, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक हाँ, बात स्टैंडर्ड बुक से कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे RS शर्मा करके कोई एक बुक है, है। आरएस मैंने पूरी अग्रवाल तरीके करके, से, RS अग्रवाल करके, यस सर, पूरी रेफर मैंने नहीं किया है, एक बार देखा था, मतलब तैयारी के लिए नहीं देखा था, मेरे फ्रेंड के पास था इसलिए देखा था मैंने, तो उसमें टॉपिक ठीक ठाक कवर कर दिए गए थे। तो अगर जो भी पॉइंट्स वीक लग रहे हैं तो उसमें देख लेना है, उसका जो भी प्रीफेस है उसमें जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं वहां से देख करके प्रैक्टिस किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला काम सिलेबस डाउनलोड कर लो, यस सिलेबस सर, अच्छे से देख लो, और फिर दूसरा काम PYQs भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कि आपका लेवल है कहाँ पे, और उसके हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को
डिज़ाइन करो, बिकॉज पिछले 5-10 साल के अंदर जो PYQs आए हैं वो अगर आप सॉल्व कर लेते हो एक गिवन टाइम फ्रेम में, बिकॉज स्टॉप वॉच के साथ अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। मान लो एक पेपर मैंने सॉल्व कर भी लिया बट सॉल्व करने में 6 घंटे लगाए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है फिर। तो विद इन गिवन टाइम फ्रेम में जब आप सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अदर सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, या जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है उन्हें आप फॉलो कर सकते हो, एंड बाय दिस वे यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स। प्रिंस मुझे एक बात और बताइएगा कि जब आप प्रीलिम्स में बैठे, बिकॉज आपको 3 बार का एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स में बैठने का, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब हम पेपर को देखते हैं? मान लो सी सेट का पेपर हमारे सामने आया, जीएस का पेपर हमारे सामने आया, तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करना शुरू कर दे? किस क्वेश्चन पे कितना टाइम दे? कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसके साथ क्या लगे रहना है या स्किप करके आगे बढ़ जाना है? तो बेसिकली जो गिवन टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन को कैसे मैनेज करना है कि हम कट ऑफ को क्वालिफाई कर दे? यस सर, जैसे सर ये सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ 2 घंटे होते हैं करने के लिए, तो मेरा जो अपना प्लान था कि मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा, 1 to 100 पूरा जाऊंगा। अच्छा, शुरू से सारे क्वेश्चंस को देखते जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। देखने से ऐसा होता है कि जो माइंड मेमोरी होता है उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है कि इस क्वेश्चन को मैं गो थ्रू कर लिया हूँ। ऑप्शन काटते चलने हैं कि जैसे जिसमें भी श्योर नहीं है तो कम से कम उस 4 ऑप्शन में ये काट लें कि ये तो पक्का नहीं होगा। एक ऑप्शन पे अगर काट पा रहे हैं तो उसको काट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जब ये 100 क्वेश्चंस कर लिए उसके बाद फिर ये देख लेंगे कि कितने क्वेश्चंस हुए। मेरा ऐसा मेरा जो अपना स्टाइल था करने का कि मैं शुरू के 1 आवर एंड 15 मिनट तक मैं पहले सारे क्वेश्चंस को जितने बार मैं कर सकूं, 1 to 100 जाने के बाद फिर वापस से जाता था सेकेंड राउंड 1 घंटे 20 मिनट तक। जितना क्वेश्चन उसके बाद होता था पहले मैं उसको सर्किल करता था ताकि अगर लास्ट टाइम पे अगर आप जो भी ओएमआर सीट है उसको फिलअप करेंगे तो लास्ट टाइम में रश होता है बहुत ज़्यादा। Okay. अगर एक भी सर्किल गलत अगर आपने फिलअप कर दिया तो फिर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं सिलेक्शंस के। तो ये चीज़ मैं इंश्योर करता था कि 1 hour and 20 minutes के बाद मैं लगभग 15 से 20 मिनट जो है वो सिर्फ सर्किल करूंगा OMR पे, सारे फिलअप करूंगा। उसके बाद मेरा आता था थर्ड राउंड या कभी कभी 4th round भी आ जाता था, 4th round बहुत कम आता था। तो 3rd round में मैं फिर जो भी क्वेश्चंस मेरे बचे हुए हैं उसको मैं देखता था कि हाँ इसमें क्या क्या तरीके लगा सकते हैं। और सिविल सर्विसेज का सर प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि आप 100 में 25 सवाल या फिर मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चंस के बाद आप श्योर नहीं होते हो, चाहे अच्छा। कितना ही बार टॉपर हो वो श्योर नहीं होता है कि यही वाला आंसर है। अच्छा। वो रीजनिंग और बाकी आपके इतने जो सालों का जो प्रिपरेशन लेवल होता है उसको देखते हुए आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है, और साथ में जो PYQ है वो PYQ में जो क्वेश्चन सेट होते आ रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट एग्जामिनर ने सेट करते आ रहे हैं उसके बेसिस पे हमें रिस्क लेना होता है वहाँ पे। तो पहले जैसे कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो डायरेक्ट टिक कर दिए। अब इसमें होता है कि जिस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में डाउट है 50-50 का रेशियो है तो वहाँ पे रिस्क लेना बनता ही बनता है। अच्छा, मेरा ऐसा था कि मैं वहाँ पे रिस्क लेता था और जिस क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है उसमें मैं ढूंढता था कि इसमें सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सा है। अच्छा, और किसी कभी भी किसी भी स्कीम्स को लेकर के या फिर गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव्स हो गया उसको लेकर के कभी नेगेटिव बात नहीं करती है। अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो मैं ज्यादा चांस लेता था कि यही पॉजिटिव वाला टिक करूंगा। और सर इसका मुझे फायदा भी हुआ, 2023 में सिविल सर्विसेज से मेरा 35 marks ऊपर था कट ऑफ जो मेरा मार्क्स आया था, और फॉरेस्ट सर्विसेज से देखा जाए तो फॉरेस्ट सर्विसेज से भी मेरा 17 marks ऊपर था। तो सर इस चीज का मुझे फायदा हुआ बहुत ज्यादा। तो इससे तो ये चीज़ सीखने को मिलती है प्रिंस की जब हम प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बेसिकली हम अपने खुद के कुछ हैक्स डेवलप कर लेते हैं। यस सर, लाइक जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसे मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, जहाँ पर मुझे डाउट था तो उस क्वेश्चन को भी मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें देखना कि कौन सा सही है। तो बेसिकली जब बच्चा खुद प्रिपेयर करता है, PYQs देखता है, 1-2 बार एग्ज़ाम देता है तो उसके खुद के अपने कुछ फंडास डेवलप हो जाते हैं, खुद के कुछ हैक्स डेवलप हो जाते हैं, खुद की इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है, और जब वो उन पे बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है तो रिजल्ट्स भी आते हैं। यस सर, एंड डेफिनेटली यार बहुत बड़ी बात है कट ऑफ से 35 marks ज्यादा लाना, इट्स ए अमेजिंग थिंग, है ना, मतलब ऐसा बहुत कम होता है और बहुत बड़ी बात है ये चीज करना। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा उसके बाद, जैसे आपने बोला कि
प्रीलिम्स के कट ऑफ से ऊपर अब आपके दोनों जगह मार्क्स आ गए। तो एक तरफ तो IFOS की प्रिपरेशन है ना, जहाँ पर GS पे इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, दो दो ऑप्शनल है, और एक तरफ हमारी दूसरी मेंस की जो IS वाली जो लाइन होती है उसका मेंस है, जहाँ पर मेन फोकस GS को ही दिया जाता है ना, और लैंग्वेज के हमारे एग्जाम्स है साथ में, सिर्फ एक ऑप्शनल है। तो दोनों की प्रिपरेशन को आपने कैसे मैनेज किया, या फिर किसी एक तरफ आपका थोड़ा झुकाव ज़्यादा था? नहीं सर, मुझे लगता है कि मैंने दोनों एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर किया जितना भी टाइम मेरे पास था। सबसे पहले सिविल सर्विसेज का मेंस था, तो उस टाइम पे मेरा पूरा फोकस था कि जब तक से सिविल सर्विसेज का मेंस खत्म नहीं होता है तब तक से मैं पूरा का पूरा डेडिकेट करूंगा सिविल सर्विसेज के मेंस को। ओके, और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा कि मैं मेंस क्लियर भी कर लिया सिविल सर्विसेज का। अमेजिंग। सिलेक्शन नहीं होने का सर एक मेन रीजन ये था कि सिविल सर्विसेज में मेरे पर्सनालिटी टेस्ट में मार्क्स थोड़े कम दे दिए गए थे, अच्छा, और फॉरेस्ट सर्विसेज में वन ऑफ द हाईएस्ट थे। तो यहाँ भी थोड़ा सा कंट्रोल मतलब देखा जाए तो कुछ पर्सनालिटी टेस्ट सर, इट्स ऑल अबाउट लक। बिल्कुल ठीक बात है। तो पैनल कौन सा रहेगा इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सर। और मेरे केस में तो सर 80 मार्क्स का डिफरेंस दिखा मुझे बैक टू बैक दो पर्सनालिटी टेस्ट में, तो ये तो बहुत ज्यादा लक की बात हो गई फिर। तो सर सिविल सर्विसेज के मेंस को लेकर के मैं वो पूरे जो भी 100 डेज थे उसको पूरा डेडिकेट किया मैंने। GS के पार्ट्स जो भी थे उसका, जो हिस्ट्री वाले पार्ट्स थे, GS 1 में ज्योग्राफी वाले पार्ट्स थे, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सोशल जस्टिस सोसाइटी, इन सारे चीज़ों का मैंने जो भी नोट्स बने हुए थे उसको मैंने बार बार रिवाइज किया। और साथ में यहाँ भी PYQ का सर बहुत बड़ा रोल है। लोग जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है लोग टेस्ट सीरीज के पीछे भागने लगते हैं कि कई सारे कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। मैं सबसे पहले जो लास्ट 10 ईयर्स के PYQs थे मैं पहले उसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया, और फिर जब एग्जाम आने में लगभग 45 या 50 डेज थे तब मैंने टेस्ट लिखना स्टार्ट किया अच्छे से। इससे पहले भी मैं लिखता था, छोटे छोटे लिखता था, जैसे 10 क्वेश्चन को लिख लिया मैंने या फिर 50 क्वेश्चन का लिख लिया मैंने टाइम लिमिट के अंदर। तो जब ये सारे PYQs को मैंने कर लिया उसके बाद फिर मैंने कोचिंग का टेस्ट लगाना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद फिर मैं accordingly जैसा भी परफॉर्म करके आया वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे हम सिविल सर्विस के मेंस की बात करते हैं तो मेंस में एक पेपर तो होता नहीं है, है ना? हमारा एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का एग्जाम हो गया, उसके बाद इंग्लिश का एग्जाम हो गया, फिर एसे राइटिंग हो गया। GS पे मैं बाद में आऊंगा, पहले इन तीनों की बात की जाए, अगर कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का, फिर इंग्लिश का, फिर एसे का, लगभग 300 मार्क्स, और फिर ऐसे का 250 मार्क्स। तो ये जो मेरे एग्जाम्स होते हैं तो इनमें मतलब किस लेवल की इंग्लिश या किस लेवल की इंडियन लैंग्वेज का हमारा सिलेबस पूछा जाता है, या ऐसे राइटिंग में किस लेवल की प्रिपरेशन हमें करनी होती है? लाइक एक ऐसे तो हम 12th में लिखते थे, 11th 12th में जब हमारा CBSE का एग्जाम होता था, है ना, एक इंग्लिश का पेपर हमारा 12th लेवल का भी होता था, तो हमने 9th 10th 11th 12th के अंदर इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, या रीजनल लैंग्वेज पढ़ी है। तो क्या उसी लेवल पे ही अगर हम NCERTs पढ़ ले अच्छे से और PYQs कर ले तो हो जाएगा, या फिर कुछ अलग से भी हमें पढ़ने की नीड पड़ती है इसमें? सर जैसे वो जो कंपलसरी पेपर हैं, जो ये हिंदी का हो गया और जो इंग्लिश का पेपर हो गया, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। बिल्कुल। दोनों में नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th लेवल के होंगे। अच्छा, तो अगर 10th लेवल तक किसी का भी हिंदी अच्छा है या फिर इंग्लिश अच्छा है तो उसको इजीली क्लियर कर लेगा, उसको प्रिपेयर करने की जरूरत है नहीं। पर फिर भी इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि सिविल सर्विसेज के मेंस में 5-10% जो लोग हैं वो इसमें फेल होते हैं। अच्छा। जैसे जो खासकर जो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं तो इन लोग का अगर इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो ये पास नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसीलिए अगर इस चीज से बचना है तो थोड़ा जो पिछले 3 साल या 5 साल का जो PYQs है, जिसको अगर हिंदी टफ लग रहा है तो हिंदी को देख सकता है, जिसको इंग्लिश टफ लग रहा है इंग्लिश को देख सकता है, बस गो थ्रू कर लेना है और 2-3 बार लिख करके ट्राई कर लेना है, जैसे उसका लेटर कैसे लिखना होता है या फिर कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं उसके आंसर्स कैसे लिखने होते हैं। अगर एक फॉर्मेट पता चल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान फेल करेगा उस पेपर में। और सर जहाँ तक ये बात रही ऐसे पेपर की, तो ये पेपर सर इसमें जैसे UPSC चाहती है कि जो भी स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं दे नीड टू बी एनालिटिकल इन नेचर, किसी भी टॉपिक को आप किस तरीके से एनालाइज करके आप अपना व्यू पॉइंट्स क्या डाल रहे हैं, तो इस चीज़ को UPSC बहुत अच्छे तरीके से करती है। और साथ में सर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं लिखनी है, ऐसा नहीं कि बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं,
जैसे वो कहा जाता है कि सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, तो ऐसे जितना सिंपल हो उतना अच्छा है, ऐसे एलेबोरेटिव होना चाहिए, ऐसे कि कई सारे डायमेंशन होने चाहिए और साथ साथ में आर्गुमेंट्स के साथ साथ ऐसे को लिखना होता है, क्योंकि हमें एक ऐसे जो लिखना होता है वो 1000 to 1200, मतलब लगभग देखा जाए तो 6 से 7 पेज, 10 पेज था, हाँ 10 पेज के आसपास एक ऐसे लिखना होता है। तो ठीक है, इसमें काफ़ी सारे डायमेंशंस को कवर करने होते हैं, उस पर आपके कई सारे आर्गुमेंट्स होने चाहिए, फिर काउंटर आर्गुमेंट्स होने चाहिए, फिर कुछ थिंकर्स क्या कहते हैं ये होने चाहिए, कुछ कुछ लोग पोएम भी डालते हैं, तो ऐसे ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, और साथ में आपका एक जो थिंकिंग है कि आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं या नहीं रखते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को लेकर के या फिर सोसाइटी को लेकर के, ये भी ऐसे के थ्रू ये जज कर लिया जाता है। देखिए देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो यहाँ से गाइस एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि 9th 10th क्लास में जो हमने लैंग्वेज पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, अगर आप उसको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लोगे और फिर यूपीएससी के लैंग्वेज के जो पेपर्स आते हैं, PYQs, उनको एक बार अगर देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह का पेपर बनता है, कैसी आपको प्रिपरेशन चाहिए। और जब PYQs को आप एक गिवन टाइम फ्रेम में सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली आप जो क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम्स है दोनों उन्हें आप क्लियर कर सकते हो। और जहाँ तक बात रही ऐसे की, तो जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, GS इतना सारा पढ़ रहे हो, हर एक चीज में आप अपनी जो स्टडीज है वो कर रहे हो, चाहे वो पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एथिक्स हो, सोशल जस्टिस हो, एनवायरमेंट हो, जब इतने सारे टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया तो ऐसे लिखना बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाता है। बस जैसे प्रिंस ने बताया कि उस ऐसे एक कंक्लूसिव ऐसे होना चाहिए, उसके अंदर सारी चीजें आप डालो अपनी, है ना, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव में, नेगेटिव में, और फाइनली कंक्लूजन, जो भी चीजें, एक एनालिटिकल ऐसे, एक स्टैटिक नहीं लिखना है बिल्कुल, उसमें मतलब लगना चाहिए कि एक इंसान बात कर रहा है उसके अंदर ऐसे के थ्रू। तो वो चीज अगर आप करोगे तो डेफिनेटली ये एग्जाम भी आपका क्लियर हो सकता है। तो प्रिंस, उसके बाद अगर हम GS सेक्शन पे आगे बढ़े तो मेंस की GS मतलब एक तरह से पूरा ब्रह्मांड की चीजें इसमें डाल दी गई है। GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, और टोटल 4 पेपर है, 250 250 मार्क्स, टोटल 1000 नंबर की जो सिर्फ GS है मेंस के अंदर। तो प्रीलिम्स के GS की प्रिपरेशन और मेंस के GS की प्रिपरेशन आपको क्या लगता है कितनी अलग है, और मेंस के GS की प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या पॉइंटर्स आपको लगता है कि ध्यान में रखने चाहिए? सर जो प्रीलिम्स का पेपर जो होता है जीएस का, उसमें सर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बिल्कुल, कि पूछे भी जाएंगे तो फैक्ट फैक्चुअल नेचर के होंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मेन, टाइप क्वेश्चन होते हाँ बेसिकली, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं और फैक्चुअल नेचर के भी होते हैं, लेकिन जो मेन सर एक्चुअल पूछे नेचर जाते को। हैं वो बिल्कुल एनालिटिकल नेचर्स होते हैं, कि कहीं पे आपको एनालाइज करना होता है, कहीं पे आपको कमेंट करना होता है, कहीं पे आपको अपना व्यू पॉइंट देना होता है, तो इस चीज़ का भी कीवर्ड्स का भी एक अपना होता है, कि अगर कमेंट किया जा रहा है तो अपना कि हमें क्या लिखना होगा, एनालाइज में क्या लिखना होगा, क्रिटिकली एनालाइज लिखा हुआ होता है तो वहाँ पे कैसे आंसर्स को प्रोजेक्ट करने हैं, तो क्वेश्चंस का इसमें ध्यान रखना तो होता ही है, साथ में इस आंसर्स को लिखने कैसे हैं इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, और साथ में सर जो मेंस का सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके लिए एक प्रॉपर नोट्स का भी होना बहुत ज़रूरी है, जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में जो भी कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड्स पे अगर छोटे छोटे नोट्स या तो गूगल से आप निकाल सकते हैं, या फिर कई सारे टॉपर्स हैं उनके नोट्स को देख सकते हैं कि इन लोगों ने कैसे अपने नोट्स बना रखे हैं, उस तरीके से फिर आप भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मेन्स के प्रिपरेशन के लिए नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये मेन्स एग्जाम से जब लास्ट के जब 20 दिन बचते हैं तो उस टाइम पे पैनिक मोड सबका ऑन हो जाता है, अगर उस टाइम पे अपने पास नोट्स ना हो, माइक्रो नोट्स ना हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम क्लियर नहीं होंगे और आप वहाँ पे कुछ भी लिख करके आएंगे, तो इसीलिए एक कम्प्रिहेंसिव नोट्स की बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो GS 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, या फिर एथिक्स एंड एप्टीट्यूड का पेपर हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, और सर इसमें स्टैंडर्ड सोर्सेज ज़्यादा ऐसे मिलते नहीं है GS के में नोट्स बनाने में, इसमें आपको गूगल का हेल्प लेना होता है, और साथ में जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स जो आप पढ़ते आ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए उसका भी हेल्प लेना होगा, और साथ में जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी ऐड करना होगा, इन सबको ऐड करके एक अपना खुद का नोट्स होना चाहिए जो लास्ट में काम आए, और साथ में PYQ का बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए लास्ट 10 ईयर्स के PYQ का। और इसके साथ साथ प्रिंस, जो टॉपर्स रहे हैं उनकी भी जो आंसर शीट्स हो तो उसको भी देखना चाहिए कि टॉपर्स ने कैसे आंसर्स लिखे हैं,
ना, तो वो भी काफी हेल्प यस करती सर, है। डेफिनेटली टॉपर्स के सर आंसर शीट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर हम बार बार गलती करके अगर सीख रहे हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि दूसरे की गलतियों से सीख लें। तो बिल्कुल टॉपर्स अगर पहले से ही गलती करके अगर वो बेहतर आंसर्स लिख रहे हैं तो अगर उनके आंसर्स को पढ़ेंगे तो हमें पहले से ही सिंक्रोनाइज होने लगेगा दिमाग में कि अपने आंसर्स को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने हैं। तो डेफिनेटली सर टॉपर्स के आंसर शीट, मैंने तो बहुत सारे आंसर शीट्स पढ़े टॉपर्स के और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो भी स्ट्रेटेजी था वो डेवलप किया था। डेवलप किया, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बिकॉज एक पर्सन जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, अगर हम भी उसी की ही पदचिन्हों पर चलेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। बोला यस जाता है कि डेफिनेटली वाई टू री इन्वेंट योर ओन व्हील वेन द वे ऑलरेडी एग्जिस्ट। दोबारा यस से कोई नए पाथ को री इन्वेंट क्यों करना है जब पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यस सर डेफिनेटली सर तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रिंस, जैसे GS1 का पेपर होता है, GS1 के पेपर में हमारा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर रहता है, फिर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड रहती है, एंड हमारी फिर सोसाइटी, ये हमारा सिलेबस है जनरल स्टडीज 1 का। तो इसके लिए NCERT सफिशियंट है क्या, या NCERT के अलावा भी कुछ सोर्सेस पढ़ने होते हैं? सर NCERT से कुछ हद तक के सही रहता है प्रीलिम्स के लिए, पर जहाँ तक मेंस की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा सोर्सेज जो है एडिशनल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरे केस में मैंने कुछ कोचिंग्स के नोट्स को मैंने रेफर किया था, अब वो डिपेंड करता है आपको किस कोचिंग के नोट्स पसंद आ रहे हैं। मार्केट में कई सारे कोचिंग्स के नोट्स अवेलेबल होते हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि PYQ के बेसिस पे किन किन लोगों ने अच्छे तरीके से नोट्स बनाया है। तो उसको हाईलाइट करके जैसे हर एक चीज़ों का, जैसे जो हिस्ट्री में भी GS1 में जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है बिल्कुल इसको एक जगह पे रखना है, जो ज्योग्राफी वाले पार्ट हैं उसका भी एक नोट्स प्रॉपर तैयार होने चाहिए। यहाँ पे NCERT का सर ज़्यादा रोल नहीं आएगा क्योंकि NCERT में चीज़ें लिखी होती हैं पर एनालिटिकल ऐसे में नहीं लिखी हैं, नहीं लिखी होती, ट्वेल्थ सही के अंदर। बात है। यस सर, तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा एडिशनल सोर्सेज का। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ आजकल GS2 के अंदर, जैसे हमारा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट रहता है, तो इंटरनेशनल रिलेशन की वेटेज ओवर द इयर्स बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन में इतनी चीजें नहीं पूछी जाती थी, बट इस बार भी प्रीलिम्स में भी और पिछले बार भी इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी चीजें बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए करंट अफेयर्स का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना, यस सर कि यस सर क्या डेली बेसिस पे चल रहा है, किस वॉर का क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये सब चीजें मतलब खुद से सोचना है कि वर्ल्ड में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, लोकल लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा, गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमारी पॉलिसीज पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसी चीज को एनालिटिकल बेसिकली हम बोल सकते हैं, कि सोचना चीजों के बारे में, है ना। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो हुई थी, तो किस अमेंडमेंट्स में क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका क्या सोशल इम्पैक्ट हुआ है, चीजों को देखना। तो यही एक एनालिटिकल सोच रहेगी, क्या कहते हो प्रिंस? यस सर डेफिनेटली सर। और सर इस चीज़ों का भी ध्यान देना होता है कि जैसे किस पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे GS2 बिल्कुल में अगर देखा जाए इंट IR वाले पार्ट की, तो इसमें 50 to 60 मार्क्स के सवाल, 40 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के। तो वाओ। इसीलिए हर एक टॉपिक में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान रखना होता है कि जो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पे ऐसा ना हो कि सिर्फ इस पे 80% फोकस कर लिया और बाकी जो पार्ट है जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है उस पर फोकस ही नहीं किया। सही तो बात है, बिल्कुल सही बैलेंस्ड बात वे में जो जिसका वेटेज जितना है उसको उतना ही वेटेज देना है है। तैयारी के वक्त भी और अकॉर्डिंगली फिर चलना है सर बिल्कुल आगे। बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शनल की अगर बात करें, लाइक सिविल्स में हमारे दो ऑप्शनल रहते हैं अगर हम IFAs की बात करें तो, और बाकी जो हमारा सिविल सर्विसेज की सर्विसेज है उसमें वो एक ऑप्शनल रहता है। तो आपका जो ऑप्शनल था वो IFAs में क्या था और यहाँ पे क्या था? सर सिविल सर्विसेज में मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और फॉरेस्ट सर्विसेज में मेरा था केमिकल इंजीनियरिंग एंड फॉरेस्ट्री। ओके, तो बेसिकली आपने 3 ऑप्शनल की प्रिपरेशन करी है, यस सर तीन ऑप्शनल की प्रिपरेशन की है। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये ऑप्शनल की प्रिपरेशन मतलब कैसे करते हैं? लाइक अगर मैं ऑप्शनल की बात करूँ, सपोज करो फॉरेस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, तो एक बैचलर को जितना आना चाहिए, जितनी नॉलेज होनी चाहिए, है ना, लाइक उतना ही सफिशियंट होता है ऑप्शनल को क्लियर करना, या फिर मास्टर्स के लेवल तक जाना होता है? सर जैसे केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शंस की बात करें तो इसमें बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी होता ही है, लेकिन जहाँ तक मैंने पूरे पेपर को एनालाइज किया फॉरेस्ट सर्विसेज का, तो कि मैंने ये पाया उसमें कि जो भी पेपर आ रहे हैं वो गेट लेवल से थोड़े टफ आ रहे हैं।
बिल्कुल लास्ट के पहले थोड़े पेपर इजी आते थे, लेकिन ये लास्ट 2 और 3 इयर्स का देखा जाए पैटर्न को, तो पेपर जो है गेट से थोड़े से टफ आ रहे थे। तो और थोड़ा इसमें पैटर्न भी अलग अलग, गेट पैटर्न मल्टीपल अलग चॉइस होंगे, है और वो हाँ, और ये सब्जेक्टिव हो पूरा गया लिखने सब्जेक्टिव वाले। है। हाँ, पेपर जैसे हीट एक्सचेंजर का भी सवाल आ रहा है, तो उसमें जो जो सवाल जो टॉपिक हमें गेट में नहीं पढ़ा जाता है वो क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे थे, सिविल सर्विस, इसमें हाँ। फॉरेस्ट सर्विसेज में। और सर, टेक्निकल पेपर जो फॉरेस्ट का आता है ये टफ आता है, बहुत टफ आता है। अच्छा तो इसलिए जो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, अगर वो केमिकल इंजीनियरिंग ले रहा है तो फिर उसे पढ़ना पड़ेगा, क्लियर कर लेगा सर, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। मेंस के पेपर में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, फॉरेस्ट के मेंस में। जैसे मैं अपना बताऊं तो टोटल 10 लोग थे केमिकल इंजीनियरिंग से जो क्वालिफाई किए थे फॉरेस्ट सर्विसेज में, और वहाँ पे बस 7 लोग आए थे केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर लिखने के लिए। 3 लोग तो सिर्फ डर से नहीं आए कि उनका तैयारी नहीं है या जो भी नहीं है। तो रही बात इसकी प्रिपरेशन लेवल की, तो जो गेट का तैयारी किया है या फिर जो बेसिक्स बुक्स को पढ़ रखा है, उसके बाद अगर वो डिफाइन ट्यून करता है लास्ट के 5 इयर्स या फिर 10 इयर्स के PYQ को, तो फिर हो जाते हैं सर, मैनेज हो जाएगा। उसके बाद अगर वो प्रैक्टिस कर लिया कि नहीं सब्जेक्टिव पेपर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने से मतलब नहीं होता है जो पेपर चेक करता है, बल्कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है इस पर भी डिपेंड करता है। तो सारी चीज़ें मैटर करती है। और सर, इसका मुझे काफ़ी फायदा भी हुआ। जैसे अभी जहाँ तक जितने टॉपर्स का मैंने कॉपी देखा केमिकल इंजीनियरिंग का, जो भी मार्कशीट देखा, तो मेरा मार्कशीट अब तक का हाईएस्ट मार्क्स है, क्योंकि मैंने जो भी पीछे के जो भी टॉपर्स थे उनसे बात किया और उनका जो स्ट्रेटजी है उसको अपने अंदर इनकलकेट किया, और साथ में एक अपना स्ट्रेटजी डेवलप किया कि मैं इसको और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। और इसका सर मुझे काफ़ी फायदा भी हुआ। तो गाइज ये मैं आप लोगों को बता दूं एक बार दोबारा कि यूपीएससी मेंस की हिस्ट्री में केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के अंदर हिस्ट्री में अब तक जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर हुए हैं वो प्रिंस कुमार सिंह के हैं। ही हैज गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल इन द हिस्ट्री ऑफ द यूपीएससी। तो इट्स एन अमेजिंग फीट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंस फॉर दैट। एक रिकॉर्ड थैंक यू सेट सर, हो गया है यस सर, एंड बहुत बहुत बड़ी बात है। तो प्रिंस जैसे कि आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला कि अगर हम गेट पीएससी के लिए जो पढ़ते हैं जितना हम सिलेबस कर रहे हैं वो हम एक बार अच्छे से कर ले और पिछले 5-10 साल के जो पेपर्स है उन जो पीवाईक्यूज है, बिकॉज जब हम पीवाईक्यूज करते हैं ना उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यस काफी सर, सारे टॉपिक्स है जो एडिशनल है वो पीवाईक्यूज को करने से कवर हो जाते हैं। तो जब हम उनको कवर कर ले पीवाईक्यूज को और गेट की तैयारी जो हमारी चल रही है वो हम अच्छे से कर ले तो केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल को हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दैट इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है। यस सर, एंड अगर बात करें बाकी ऑप्शन लाइक फॉरेस्ट्री, तो जैसे मेरा एक दो बार और बच्चों से बात हुई है जो केमिकल इंजीनियरिंग में यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, सो दे से कि फॉरेस्ट्री इज द इजिएस्ट ऑप्शनल टू चूज अगर IFOS के लिए हम जा रहे हैं तो। और फॉरेस्ट्री को हम लगभग 45 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो व्हाट यस इज सर, योर व्यू पॉइंट ऑन दैट कि आप फॉरेस्ट्री के बारे में क्या बोलोगे और आपने क्या सोर्सेस फॉलो किए थे टू प्रिपेयर फॉर द फॉरेस्ट्री? सर मैंने फॉरेस्ट्री के लिए हॉर्नबिल के नोट्स नोट्स आते हैं उसके मैंने फॉलो किए थे, और साथ में पूरे नोट्स फॉलो ने मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास टाइम जो था बहुत कम था। मुझे दोनों ऑप्शनल की तैयारी 40 डेज में करना पड़ा था, क्योंकि सही बात है, सही बात बीच में UPSC का जो था इंटरव्यू आ गया था। तो जब वो इंटरव्यू देने के बाद जब मैं आया तो सिर्फ 40 दिन बचे थे मेरे पास। तो केमिकल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री और जीएस तो मेरा पहले से तैयार था, क्योंकि सिविल्स का मेंस लिख रखा था 2 महीने बिल्कुल पहले। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक तो बात। इसका फिर मुझे फायदा भी हुआ कि मैं सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस किया जो चीज़ एग्जाम में आनी चाहिए, आ रही है या फिर आनी चाहिए। तो रही बात फॉरेस्ट्री के प्रिपरेशन की, तो कुछ लोग लेक्चर्स भी लेते हैं हॉर्नबिल के, वो पेड लेक्चर्स होते हैं, तो वो जिसको लेना हो ले सकते हैं, पर मैं नहीं लिया था। मैंने उसके नोट्स को देखा था, साथ में एक टॉपर्स थे आयुष कृष्णा सर थे जिनका रैंक 6 है फॉरेस्ट सर्विसेज में, तो उनका मैंने नोट्स को बिल्कुल गेट थ्रू किया था बिल्कुल अच्छे तरीके से। और साथ में जो PYQ थे उसको भी देख करके मैंने खुद का प्रेडिक्शन डेवलप किया कि मेरे हिसाब से इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस आने चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को फिर एक्यूमुलेट किया मैं, इसको बार बार रिवाइज किया मैं, और फिर जा करके पेपर में अच्छे से रिप्रेजेंट किया। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड गाइस अगर प्रिंस अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी थी और क्या सोर्स थे जिसे आपने प्रिपेयर किया? सोशियोलॉजी में सर जैसे जो बेसिक्स रिसोर्सेज होते हैं वो एनसीईआरटी होते हैं, कि आपको वहाँ से पढ़ करके चीज़ें को डेवलप करनी है, ये अपना थॉट्स डेवलप करना है कि सोसाइटी कैसे चल रही है, पॉवर्टी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, या फिर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होते हैं, कैसे ये हिस्ट्री से चले आ रहे हैं और अभी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो भी सोशल इशूज है वो सोशियोलॉजी का पार्ट है।
तो इसको एनसीईआरटी से स्टार्ट करने हैं, और साथ में डिपेंड करता है कि कोई लेक्चर्स ले रहा है कोचिंग्स के या नहीं ले रहा है। ठीक है। मैं अपने केस में यूट्यूब पे एक स्लीपी क्लासेस का लेक्चर्स था, वो फ्री में अवेलेबल है, तो मैंने स्लीपी स्लीपी क्लासेस, स्लीपी स्लीपी क्लासेस, यस ओके। सर, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और साथ में इसके सारे लगभग देखा जाए पेपर वन के और पेपर टू के लगभग 50% पार्ट जो है ये कवर कर दिया है इन लोगों ने, और ओके इसके इन ओके। लोगों ने खुद ही नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं रिटन फॉर्म में, टाइप फॉर्म में। तो इसको मैंने बार बार देखा, इसके नोट्स को फिर मैंने अपने नोट्स में कन्वर्ट किया, और फिर PYQ जो लास्ट ईयर के सेम चीज़ लास्ट 10 ईयर्स के PYQ को मैंने अच्छे से किया, उसको लिख लिख करके बार बार ट्राई किया, और दो तीन पेपर भी लिख करके कोशिश कर लिया मैं कि कैसा लिख लिख रहा हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाया, एक दो कोचिंग्स में भी मैंने अपने आंसर शीट भेजे, और अकॉर्डिंगली ऐसे ही प्रिपरेशन किया मैं। और बाद में इसमें भी मैंने सर प्रेडिक्शन डाला कि मेरे प्रेडिक्शन के अनुसार कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बेस्ड ऑन लास्ट 10 ईयर्स PYQs, और सर इसका मुझे फायदा भी हुआ था। ग्रेट ग्रेट। अच्छा प्रिंस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ही उसका आंसर कर सकते हो क्योंकि आपने दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, जीएस ऑफ द आईएफओएस एंड जीएस ऑफ द अदर मेंस कितना डिफरेंट है? बिकॉज एक तरफ तो हमारे पास जीएस के चार पेपर है, टोटल 1000 मार्क्स की जीएस आती है, दूसरे तरफ हमारे पास जीएस के दो पेपर्स है, टोटल 600 मार्क्स की जीएस आती है। तो दोनों जीएस के जो सेक्शंस है उसमें कितना डिफरेंस है? मतलब क्या हम जो मेंस की जीएस प्रिपेयर कर रहे हैं उससे हमारी आईएफओएस की जीएस भी प्रिपेयर हो जाती है, या डिफरेंस है कुछ दोनों में? सर अगर किसी ने सिविल सर्विस का मेंस का अगर तैयारी ढंग से किया है जीएस का प्रिपरेशन, तो मुझे नहीं लगता कि उसके उनको फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस में दिक्कत आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस मोर और लेस सेम एग्जामिनर सेट करते हैं, ठीक बस है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज़्यादा आते हैं फॉरेस्ट के मेंस में, क्योंकि जो 24 क्वेश्चंस आते हैं जिसको अपने को 3 आवर्स में लिखना होता है, और उसमें जीएस के पेपर्स में 20 क्वेश्चंस होते हैं, बस नंबर ऑफ अच्छा। क्वेश्चन ज़्यादा है, बाकी नेचर ऑफ क्वेश्चन सेम है। और जो सिविल सर्विसेज का जीएस का मेंस है उसमें सर 3 पेपर होते हैं, GS 1 2 3, ठीक है। इसमें एक ही पेपर में सब कुछ पूछ लिया जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक साइंस एंड टेक सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो सर ये चीज़ है, बाकी मोर और लेस दोनों सेम है, दोनों की तैयारी अगर किसी ने किया है एक चीज़ की तैयारी तो वो दूसरे में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंड मैं बोलूँगा सेम विद द जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, जो हमारा जनरल इंग्लिश का पेपर होता है वो भी दोनों तरफ सेम ही होता है, लगभग सेम सिलेबस होगा। सर थोड़ा सा जीएस इंग्लिश का पेपर देखा जाए तो फॉरेस्ट का थोड़ा सा टफ आता है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जो होते हैं वो काउंट किए जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा ओके ओके। कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करनी होती है, और एसए का भी पेपर इसी में इंक्लूडेड होता है इंग्लिश के पेपर में ही, ठीक तो है। एसए भी लिखना होता है, रिपोर्ट्स भी लिखने होते हैं, लेटर भी लिखने होते हैं, साथ में ग्रामर्स भी देखने होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी देखने होते हैं, तो एक एग्जॉस्टिव तैयारी करनी पड़ जाती है इंग्लिश के पेपर की। तो गाइस, जो आईएफओएस के अंदर इंग्लिश का पेपर आता है वो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता है, उसके मार्क्स काउंट होते हैं, और जो हमारा सिविल सर्विसेज के अंदर जो बाकी एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश का पेपर आता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वहाँ पर इंग्लिश और एसए का पेपर अलग अलग रहता है, बट यहाँ पर इंग्लिश और एसए का पेपर कंबाइंड वे में रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्टिव पेपर होता है जब हम आईएफओएस के लिए इंग्लिश का एग्जाम दे रहे होते हैं। तो प्रिंस, अगर मैं दोनों मेंस को कंपेयर करूँ एक दूसरे से, है ना, तो यहाँ पर जो आईएफओएस का मेंस है वो दिखने में कंपैरेटिवली इजी लगता है। मतलब एक बार अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए हमारी कट ऑफ आईएफओएस की ज़्यादा जा रही है, तो किसी तरह अगर हम प्रीलिम्स के हर्डल्स को क्लियर कर दे तो आईएफओएस का मेंस रिलेटिवली दूसरे मेंस से कंपैरेटिवली आसान है। तो कोई बच्चा अगर सिर्फ आईएफओएस के लिए ही सोच रहा है, मतलब मान लो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो दूसरे एग्जाम में बैठ ही नहीं रहा है, सिर्फ आईएफओएस के लिए प्रिपेयर करके चल रहा है, तो जो मतलब चांसेस है प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की वो थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ जाती है। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? यस सर, डेफिनेटली सर, जो बिगेस्ट हर्डल होता है फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जामिन में वो होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का एग्जाम, इसने बिल्कुल जितने डेफिनेटली। भी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया उसका चांसेस होता है कि अगर इसने मेंस की तैयारी काफ़ी ढंग से किया है तो ज़्यादा चांसेस होता है क्लियर करने की, क्योंकि ये फॉरेस्ट सर्विसेज में इट्स ऑल अबाउट योर टेक्निकल जो भी साउंडनेस है, कि आप कितने टेक्निकली साउंड हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के। जैसे केमिकल इंजीनियर अगर आप हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आसान है स्कोर करना, लोग डरते हैं, केमिकल इंजीनियर डरते हैं, पर मैं बताना बिल्कुल चाहूँगा कि केमिकल इंजीनियरिंग में अगर किसी ने ढंग से तैयारी कर लिया, 10 साल का PYQ देख लिया, तो बाकी सारे ऑप्शन जैसे मैथ हो गए फिजिक्स हो गए
उससे ज़्यादा स्कोर कर सकता है केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में। और ये हुआ भी है, जितना मार्क्स मेरे आए हैं इतने मार्क्स किसी मैथ फिजिक्स वाले बंदे ने भी नहीं लेकर के आए हैं। सही बात है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ में जो ये मेंस का पेपर होता है इसमें बस मेरे टाइम पे 1800 लोग क्वालिफाई कर पाए थे, 1900 लोग क्वालिफाई कर पाए थे आउट ऑफ जितने लाख लोग अपेयर किए थे प्रीलिम्स का पेपर। तो सर रिलेटिवली ये पेपर आसान हो जाता है लिखना, क्योंकि इसमें जो काफ़ी सारी जो पॉपुलेशन है वो बाहर हो जा रही है लिखने वाली, मेंस लिखने वाली। और दो पेपर आते हैं ऑप्शनल के, चार पेपर हो जाते हैं, दो दो हर पेपर के, दो दो ऑप्शनल के दो दो पेपर होते हैं, तो चार पेपर हो जाते हैं। तो इसका जो वेटेज है ये ज़्यादा रहता है। तो जिसका भी बिल्कुल प्रिपरेशन अपने टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा अच्छा है तो डेफिनेटली सर वो एक्सेल करेगा इस पेपर में। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड उसके बाद अगर इंटरव्यूज की बात करें तो इंटरव्यू की क्या प्रिपरेशन हमें बेसिकली करनी चाहिए? लाइक इंटरव्यू तो ऐसा होता है कि एसी के अंदर भी पसीने आ जाए यस सर डेफिनेटली सर। सर कैसे उसमें ऐसा होता मतलब? है कि हाँ बताइए। जी जी उसमें ये सिचुएशन होता है कि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड पर्संस दैट यू कैन नेवर इमेजिन। तो सर वहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं, रिटायर्ड रिटायर्ड जज भी होते हैं वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं हर चीज का वहाँ पे बिल्कुल बारीकी तरीके से वो देखा जाता है आपके। और क्या कहीं ऐसा भी होता है कि आपका जो व्यू पॉइंट से हो सकता है कि इन मोस्ट मेनी ऑफ द केसेस जो ना मैच करता हो सामने वाले से, इस चीज़ को भी कैसे मैनेज करना है। और अपने जो स्ट्रेस लेवल होता है, क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू के टाइम पे वो ऐसा स्ट्रेस होता है जो जिसपे ऐसा फील हो रहा होता है कि इस पे या तो आर या पार का सिस्टम होता है, इसमें बिल्कुल कोई बिल्कुल और सही सिस्टम बात। नहीं होता है कि अगर आप फेल हो गए तो आपको कोई और जॉब मिल जाएगी, फेल हो गए तो आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो जी इसीलिए जी इंटरव्यू के प्रिपरेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब यूपीएससी डीए फिल करवा रही है डिटेल अप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें आप कोई भी चीज़ फेक ना करें, सही जो भी बात चीज़ है। आप हाँ कि व्हाट आर यू इन रियल डेट मस्ट बी होता है कि जो दिखना चाहिए सामने वाले इंसान को। तो जो भी आपका हॉबीज है या फिर जो भी आप किए हुए हैं, जो भी मेडल्स आपने लिया है या फिर जहाँ से आपने एजुकेशन लिया है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है, तो आपकी बेसिक जो नॉलेज है इस चीज़ को इस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए। कि अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो आप केमिकल इंजीनियर कुछ नहीं बता पाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और सही बात फॉरेस्ट है। सर्विसेज में मेरा जो इंटरव्यू था उसमें देखा जाए तो 50-60% जो इंटरव्यू था केमिकल इंजीनियरिंग पे गया। तो मुझे अच्छा लगता है कि आई परफॉर्म्ड वेरी मच बेटर। केमिकल इंजीनियरिंग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, उसमें सारे टेक्निकल कीवर्ड्स का मैंने यूज़ किया। और कहीं ना कहीं ये जो मेरे मार्क्स मैंने आई गॉट 201 मार्क्स इन IFS इंटरव्यू, जो कि वन ऑफ द हाइस्ट मार्क्स है। अच्छा तो जी कहीं ना वाह कहीं ये चीज़ हेल्प किया कि आपकी ऑनेस्टी कितना दिख रही है, और साथ में आप जो जो भी किए हुए हैं अब तक उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया है, या फिर उसको आप कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप जो हो, लाइक जैसे हम PSUs की भी बात करें, जब बच्चा गेट क्रैक करके PSU में जाता है तो जो बच्चा सिर्फ BTech से जाता है उससे उसकी इंटर्नशिप पूछी जाती है, उसका प्रोजेक्ट पूछा जाता है। जो बच्चा किसी कंपनी में एक्सपीरियंस लेने के बाद जाता है तो उससे फिर उस कंपनी के एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते यस हैं। सर डेफिनेटली सर। और इसी तरह जैसे आप बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद गए थे तो आपसे केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई। तो यस सर हमने पास्ट में जो किया है जनरली इंटरव्यूज में उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब उस उन क्वेश्चंस के हम आंसर अच्छे से कर पाते हैं तो एक मैसेज जाता है कि इसने जो किया था वो ढंग से किया था, अच्छे से किया था, ईमानदारी से किया था। सो दैट मीन्स अगर ये वाला काम अगर इसे हम दे देंगे, इसे कल को अगर हम IFOS बनाएंगे, ये कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर ये वाला काम भी ईमानदारी से ही करेगा, यस सर उतनी ही डेफिनेटली इंटीग्रिटी से करेगा जितनी इंटीग्रिटी से इसने पिछला काम किया था। यस सर इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं उनको मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आपको जो रोल दिया गया है ना उसे ईमानदारी से निभाओ। अगर आप एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ाई करो, अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो ईमानदारी से जॉब करो। एंड गाइस आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे आप पैटर्न देख सकते हो, है ना, ये स्क्रीन पे जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे ये स्क्रीनशॉट है हमारे IFOS के एग्जाम पैटर्न का, मेंस का बेसिकली, जिसमें आप देख सकते हो कि पेपर 1 जनरल इंग्लिश का रहता है 300 मार्क्स, पेपर 2 जनरल नॉलेज का रहता है अगेन 300 मार्क्स, उसके बाद 4 पेपर्स रहते हैं, 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल 1 के और 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल 2 के। तो 800 मार्क्स का तो हमारा ऑप्शनल रहता है सिर्फ। तो मतलब जैसे कि अगर प्रिंस की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल इन्होंने चूज किया,
फॉरेस्ट्री ऑप्शन इन्होंने चूज किया। सो 800 मार्क्स का तो सिर्फ ऑप्शनल का पेपर होने वाला है। तो लेट्स से अगर आपकी जो जनरल नॉलेज है जिसमें कि सब कुछ आ जाता है, अगर वो उतनी स्ट्रोंग नहीं भी है, आप 300 में से 250 200 नहीं ला पा रहे हो, अगर लेट्स से आपका स्कोर रेंज 100 से 150 के बीच में रह गया है, आपने जीएस पे उतना अच्छा नहीं दे पा रहे हो, या फिर जीएस के सिलेबस में कुछ सिलेबस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जिससे आप 125 प्लस या 150 तक पहुंच गए हो या 100 प्लस पे आप आ गए हो, और बाकी ऑप्शनल की आप बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करो जो कि रिलेटिवली इजी है, क्योंकि जीएस के सिलेबस के सामने ऑप्शनल का सिलेबस फिर भी कन्फाइंड है, डिफाइंड है, तो उसकी तैयारी बेटर वे से की जा सकती है। तो ऑप्शनल की अगर हम बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करें और ऑप्शनल में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें तो हम डेफिनेटली मेंस को क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज मेंस क्रैक करना एक बहुत बड़ी हर्डल रहेगी। तो प्रिंस, मैं आपका भी एक स्ट्रेटेजी जानना चाहूंगा, बिकॉज आप वो हो जिन्होंने क्लियर किया है, तो आप बताओ ये जो हमारा सामने एग्जाम पैटर्न है, ओवरऑल अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 1400 1400 के अंदर अगर बीइंग ए ओपन कैटेगरी स्टूडेंट हमें कितने मार्क्स लाने हैं और उन मार्क्स को लाने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किस ऑप्शनल में कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, जिससे कि हम ये कट ऑफ क्वालिफाई करके इंटरव्यू की तरफ पहुंच पाए। यस सर, सर ये जो 1400 का जो पेपर होता है इसमें जनरल कट ऑफ अगर देखा जाए तो अराउंड 750 होता है, तो इस 750 मार्क्स को लाने के लिए हमें जो अपना ऑप्शनल का पेपर है, जो भी 800 मार्क्स का जो पेपर है, इसको अच्छे से करना होगा। और साथ में जो इंग्लिश वाले पार्ट है, इंग्लिश बहुत स्कोरिंग पार्ट है, 300 में लोग के 160 भी आते हैं, 140 130 प्लस तो आराम से आते हैं, तो इंग्लिश वाले पार्ट में ग्रामर वाले पार्ट को कैसे लिखना है, फिर एसे वाले पार्ट में थोड़ा सिविल सर्विसेज से अलग हो जाता है क्योंकि इसमें एसे को थोड़ा सिंपल वे में लिखना है और इस चीज़ का ये चीज इंश्योर करना है कि ग्रामेटिकल इशू नहीं होने चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और साथ में जीएस का तो मैंने बता दिया था कि अगर जैसे सिविल सर्विसेज का जो लिख रखा है मेंस, या फिर सिर्फ फॉरेस्ट का भी अगर दे रहे हैं तो इसका भी जीएस का जो टॉपिक दे रखे हैं इसमें अगर वो प्रिपेयर करके अगर अच्छे से लिखते हैं, सारे क्वेश्चंस लिख के आते हैं, तो 120 मार्क्स कहीं नहीं गए जो इन जनरल मार्क्स मिलते हैं। तो सर 120 मार्क्स इस वक्त इसमें मिल गए और जनरल इंग्लिश में भी 140 के अराउंड मिल गए, तो अराउंड 260 मार्क्स जो है ये इससे शुरू के जो दो पेपर है उससे आ जाएंगे। बाकी के जो मार्क्स जो 800 के हुए तो 800 में हम लोग 400 तो बिल्कुल आराम से ला सकते हैं। ओके, तो 400 और 260 को अगर काउंट करें तो 760 हो गया, जो सर बिल्कुल आसान है, पेपर क्लियर हो रहा है, मेंस का क्लियर जो है पेपर। तो यहाँ पे आप मेंस का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको और अच्छी रैंक लानी है, जैसे मेरे केस में मेरा कट ऑफ जो था जनरल कट ऑफ से 100 मार्क्स ऊपर थे, मेंस के मार्क्स जो थे मेरे, तो उसमें सर मेरा जो मेन रोल था वो ऑप्शनल का था, केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा अप्रोक्स देखा जाए तो 280 मार्क्स थे 400 में, और इसमें फॉरेस्ट्री में भी लगभग 215 के आसपास मार्क्स थे, तो दोनों का काउंट करें अगर तो 495 अराउंड 500 मार्क्स जो थे मेरे इधर से निकल गए थे, ऑप्शनल से निकल गए थे। तो सर इस चीज़ का फिर बिल्कुल कैलकुलेटिव होना होता है कि ऑप्शनल में कितने मार्क्स हमको लेकर के आने हैं, कहाँ पे हमें कितना बेहतर अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, मार्क्स निकालने हैं, जो भी चीज़ मेरा स्ट्रेंथ है, जिस भी ऑप्शनल मेरे स्ट्रेंथ है वहाँ पे कैसे करके मैक्स टू मैक्स मार्क्स को हम गेन कर सकते हैं, जो वीक है वहाँ पे भी ऐसा नहीं होना है कि बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस दे दिया, वहाँ पे भी ये कोशिश करना है कि हमारा जो परफॉर्मेंस हो कम से कम एवरेज तो होना चाहिए। तो इस तरीके से सर ये मेंस को हम लोग इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं अगर तरीके से अपन ने प्रिपरेशन किया है। तो प्रिंस मैं बोल सकता हूँ कि 900 मार्क्स इज ए सेफ बेट, अगर मेरा 900 मार्क्स आ जाता है तो डेफिनेटली मैं मेंस क्वालिफाई कर जाऊंगा। सर अगर 800 मार्क्स भी आएंगे तो भी हो जाएगा क्वालिफाई सर। यस सर डेफिनेटली, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स भी जो है अगर 800 मार्क्स इज अ वेरी गुड स्कोर। ओके, अगर इतने मार्क्स आ गए तो मुझे लगता है इंटरव्यू अगर आपका कितना भी खराब गया हो आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं, भले आपके रैंक थोड़े नीचे हो सकते हैं पर आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो 800 प्लस मार्क्स अगर हम यहां पे ले आते हैं तो 800 प्लस मार्क्स पे हमें उम्मीद कर सकते हैं कि यार हमारा मेंस तो क्लियर हो ही जाएगा, और अब बात करें इंटरव्यू की तो इंटरव्यू में कितने भी मार्क्स आए तो हमारा सिलेक्शन तो पक्का है। यस सर, रिकमेंड एकदम तय है कि आप रिकमेंडेड हो जाएंगे यूपीएससी के द्वारा अगर 800 मार्क्स आपके आए हुए हैं तो। एंड प्रिंस, ऑन एन एवरेज एक साल में लगभग कितनी सीट्स होती है आईएफओएस की?
सर ये लास्ट 2 इयर्स से 150 सीट्स आ रही हैं। इसके पहले 90 थी और फिर 110 था, लेकिन अब लास्ट 2 इयर्स से 150 आ रही हैं, तो आगे भी 150 ही आएंगी सर, कुछ साल तक तो 150 ही आएंगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 150 सीट्स होती है, यस और सर 150 सीट्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि केमिकल इंजीनियर्स ही कम्पीट कर रहे होते हैं, यस सर जो बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अच्छे खासा कम्पीट कर रहे होते हैं, यस सर एनवायरमेंटल डेफिनेटली बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अच्छे से कम्पीट कर रहे होते हैं। बट अगेन बींग एन इंजीनियर, हमारे पास हमेशा एक एडिट एडवांटेज रहता है यस कि सर क्लियर करने का, बिकॉज हमें बचपन से हैबिट है मैथ्स पढ़ने की, एप्टीट्यूड पढ़ने की, चीजों को क्लियर करने की, तो वो एडवांटेज हमारे पास रहता है। यस सर डेफिनेटली सर। और साथ में जो भी ये साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, ये इसमें सारे लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जहाँ तक रही बात हमारे हम इंजीनियर्स की, तो वैसा होता है, एप्टीट्यूड होता है पहले से कि नहीं, जो भी टेक्निकल फील्ड होता है इसमें हम लोग साउंड होते हैं, चाहे वो एप्टीट्यूड का पार्ट हो या फिर जो भी हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग में जैसे पढ़ रहे होते हैं, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, तो यहाँ भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। जहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड का भी ये भी पार्ट है कि आप एक आंसर्स में आप सोल्यूशन सोल्यूशन कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चंस का आप सोल्यूशंस कर रहे हो। तो डेफिनेटली सर इंजीनियर्स विल हैव ऑलवेज एडेड एडवांटेज। तो गाइस, ये एक मैं आपको मार्कशीट दिखाना चाहूँगा, और ये बहुत ही अमेजिंग मार्कशीट है और हिस्टोरिक मार्कशीट है ना। इसके अंदर जो मार्क्स आप देख पा रहे हो, अगेन वो आपके लिए एक माइलस्टोन होने चाहिए कि हमें इस मार्क्स तक जाना है। तो अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग पेपर की बात करें तो 279 प्रिंट्स, क्या चमत्कार है यार ये। मतलब 400 में से 289 पेपर तो बीटेक में सेमेस्टर एग्जाम में आया करते थे। तुमने यस तो सर यूपीएससी के एग्जाम को सेमेस्टर एग्जाम बना दिया यार। मतलब 400 में से 279 कैसे लेकर आ गए, क्या क्या चलिए चमत्कार कर दिया। सर, इस पेपर में मैंने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया था, सारे पेजेस भरे थे और जो भी क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे उसको मैंने इस तरीके से लिखा कि पेपर चेक करने वाले को ऐसा लग जाए कि नहीं, जो लिख रहा है उसको बहुत ही अच्छा नॉलेज है। तो उसमें मैंने पेन्स का पेन, पेंसिल और ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन और पेंसिल तीनों का यूज़ किया मैंने। जितना अच्छा बना सकता हूँ पेपर को बिल्कुल हैंडराइटिंग सही से लिखा मैं। जैसे मैं कह फिलियर डायग्राम आ गया था तो उसको मैंने इतने अच्छे से प्रोजेक्ट किया कि उनको फिर कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं होगा। वो बोले, वो ये सोच रहे होंगे पेपर चेक करने वाले कि इसको लगभग सब पता है, सब कुछ कवर कर दिया इसने इस 3 पेजेस में। तो ये मैं कोशिश किया दोनों पेपर में लिखने का, और बाकी सर रिजल्ट तो सामने दिख रहा है कि उसका फायदा भी हुआ है। तो मतलब अपने आंसर्स के अंदर हम ये सामने वाले को सारी फैक्ट्स बता दे इन एंड आउट, और वो भी कम शब्दों में। ऐसा भी नहीं है कि 15 पेज भर दिए, है ना। यस हर सर क्वेश्चन का आंसर कम शब्दों के अंदर कितना अपने अच्छे वे से दे पेजेस सकते पेजेस सर लिमिटेड होते हैं, जैसे 2 पेजेस या हैं। 3 पेजेस रहेंगे या मैक्स टू मैक्स 4 पेजेस रहेंगे, तो उतने में ही हमें लिखना होता है। पर कुछ लोग का ऐसे आदत होता है कि अगर 4 पेजेज है तो 2 पेज लिखेंगे, 2 पेज छोड़ देंगे। मेरा ऐसा नहीं था, मेरा ऐसा था कि सेंस ऑफ कंप्लीशन जो है वो आने चाहिए जो पेपर चेक कर रहा है, कि पूरे पेजेस में भर रहा हूँ तो उनको ये लगेगा कि नहीं, अच्छे से लिखा है, सारे पेजेस भरे हैं, तो मार्क्स डेफिनेटली वो हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एज तो आएगा ही आएगा वहाँ पे। और प्रिंस, अगर फॉरेस्ट्री की बात करें तो आउट ऑफ 400 आप 213 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। यस ऐसा सर लग रहा है लाइक आप बैचलर्स इन फॉरेस्ट्री हो, और बैचलर इन फॉरेस्ट्री करने के बाद फिर आपने यूपीएससी का एग्जाम लिखा है। तो ये बिना बैचलर्स करे बैचलर वाले मार्क्स कैसे ले आए आप, मतलब सही, 213, वो इसमें भी तो 40 डेज की प्रिपरेशन में। यस सर इसमें सर मैंने ये ध्यान रखा था कि जैसे टाइम तो मेरे पास बहुत कम है, लेकिन इससे आउटपुट मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी सेम चीज फॉलो किया है। PYQ के जो 10 इयर्स के क्वेश्चंस थे उसको मैंने अच्छे से देखा और साथ में प्रेडिक्ट किया कि मेरे अकॉर्डिंगली लगभग 60 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आ सकते हैं, और अच्छा उसके जो आंसर्स थे मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया उसको, मतलब रट लिया मैंने उसको कि एकदम ये चीज़ लिख करके आऊँगा, ये डायग्राम बना करके आऊँगा। और फॉरेस्ट्री के पेपर में मैं सर दोनों पेपर मिला करके 56 डायग्राम बना कर आया था, छोटा छोटा। 56 यस डायग्राम्स, बाप सर रे। पेपर को जितना ज़्यादा रिप्रेजेंट, जितना ज़्यादा कलरफुल होता है ना, कि एक चेक करने वालों को लगे कि नहीं अच्छा बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन क्या बढ़िया किया है, तो ये चीज मैंने कोशिश किया कि अपने कम नॉलेज पे, क्योंकि सिर्फ 40 डेज में 2 ऑप्शन का प्रिपेयर किया हूँ, तो इसमें देखा जाए तो सारा चीज को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, उसके बावजूद भी 213 इज वेरी गुड मार्क्स। और उसमें मेरा बहुत बहुत मेन चीज ज्यादा यही था, अमेजिंग मार्क्स है। यस सर, और इसमें मेरा मेन चीज यही था कि जितना ज्यादा मैं दिखाऊं सामने वाले को, मैं अच्छा लिख सकता हूं और अच्छा रिप्रेजेंट करके डायग्राम के साथ दिखा सकता हूं आपको, तो ये चीज कहीं ना कहीं हेल्प किया है उसमें। नहीं, सच में बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग मार्क्स, और ऑप्शनल में बिल्कुल आपने फोड़ दिया है, बिल्कुल यस सर फोड़ दिया है।
एंड जनरल इंग्लिश में भी आउट ऑफ 342 मार्क्स, ये भी काफी कमेंडेबल मार्क्स है, मतलब ऑलमोस्ट 50% इस मार्क्स साल के आप हिसाब से सर हावी ये स्कोर मार्क्स कर पा ठीक रहे हो। हैं इस साल। यस सर, इस साल मार्क्स थोड़े थोड़े मतलब स्ट्रिक्ट वे में चेक किया गया है। वो वाले जीजीएस का पेपर हो, जनरल इंग्लिश का पेपर हो, या फिर जनरल नॉलेज का पेपर हो, तो आई थिंक जनरल नॉलेज में भी इस बार का 120 या 125 हाईएस्ट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 108 इज गुड मार्क्स, और इंग्लिश में भी सर ऐसा ही है कुछ। तो इस बार थोड़ी सी मार्किंग यहाँ पे स्ट्रिक्ट हुई है, और बाकी ऑप्शनल जो है वो मुझे एक्स्ट्रा एज दिलाया है, खासकर केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल। एंड मेंस का अगर आपको याद हो तो मैं एक बार कट ऑफ भी जरूर बताना मुझे कि इस साल का 2023 का मेंस में कितना कट ऑफ गया था ओपन सर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के सर लिए, शायद मैं अभी ये याद नहीं कर पा रहा हूँ। अप्रोक्स कट ऑफ मतलब सेवन सिक्स फिफ्टी फोर्टी प्लस के आसपास आई गेस, 643 आई थिंक इतना गया सिक्स था। फिफ्टी थ्री के हाँ, आसपास। पर मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, शायद हाँ 650 के आसपास गया था। यस सर, 650 प्लस में मतलब जो भी स्टूडेंट्स थे वो यस सर क्वालिफाई थे, बेसिकली जी। रिकमेंडेड थे। हाँ और सर ये जो ओवरऑल मार्क्स जो हम मैंने 800 बताया है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। 700 या फिर 750 भी कोई लेकर के आएगा ना, तो उसका भी सिलेक्शन 750 पे तो सीरो शॉट सिलेक्शन है। 700 इज अ वेरी गुड गुड स्कोर। 800 आपने इंटरव्यू के मिला के बताया शायद। हाँ नहीं, वो अल्टीमेट बता दिया था, वो शायद एट हाँ हंड्रेड में हाँ 700 में वहाँ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ यस सर खाली मेंस की बात करें तो 650 या 700 आता है तो कंप्लीटली क्वालिफाइड है, और मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स मिला दे तो 800 प्लस में भी आपको रिकमेंडेशन मिल हाँ जाएगा। 850 सर, 850, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो 300 मार्क्स का होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, तो यहाँ पर इंटरव्यू में भी आपको यार 201 नंबर मिले, बहुत यस सर। अच्छे और नंबर है सर मतलब। सिविल सर्विस के इंटरव्यू में मुझे सिर्फ 120 दिए गए थे, तो ये भी हाँ शो करता है कि जो पैनल है उसका मार्क्स कितना वेरी करता है। सही बात दोनों है में मेरे यार। पैनल अलग अलग थे, एक ने मुझे 120 दिया और दूसरे ने मुझे 201 दिया। तो यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट योर लक, और वो दिन आपका होना चाहिए। सो फाइनली मेंस में आपके 742 मार्क्स है जो कि कट ऑफ से लगभग लगभग 100 मार्क्स ऊपर है, यस सर, एंड फाइनल में भी 943 मार्क्स है ना, एंड यस इसी वजह से आपका इस साल टॉप 15 के अंदर रैंक आया है, यस और जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है इतना अच्छा रैंक ला पाना। लाइक 150 सीट है, बट 150 सीट में ऐसा नहीं है कि 150th रैंक है ना, टॉप 15 के अंदर रैंक है, तो दैट इज एन अमेजिंग अमेजिंग फीट। तो ये जो पूरी जर्नी रही है यार, ये काफी मतलब एग्जॉस्टिव जर्नी रही होगी है ना, कि लाइक कहता है कि 24 घंटे भी कम पड़ते कई बार, तो डे का शेड्यूल क्या रहता था आपका, किस तरह से आप अपने 24 घंटे को मैनेज करते थे? यस सर, जो ये फेज था बहुत टफ फेज था, लेकिन इस फेज में भी इस चीज़ को मैंने पूरा इंश्योर किया कि ऐसा भी नहीं है कि मुझे बिल्कुल पढ़ते रहना है। 24 आवर्स जो है फिजिबल नहीं है पढ़ना ऐसे, तो कम से चाहे कोई भी दिन हो, आपका मेंस का पेपर हो, भले ही मेंस का ही क्यों ना पेपर हो, आपको प्रॉपर स्लीप तो लेना ही लेना है। और 8 आवर्स सर रिकमेंडेड है, खासकर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में। बाकी सर रही बात मेरे प्रिपरेशन लेवल की, तो लास्ट 1.5 ईयर्स में मैंने बहुत ही कंसिस्टेंसी से और बिल्कुल रिग्रेस प्रिपरेशन किया था, क्योंकि मुझे बीच में कई सारे एग्जाम्स भी देने पड़ गए थे। जैसे बिहार सिविल सर्विसेज का भी पेपर बीच में आ गया था, सीजीएल का मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, पर उसका भी कहीं ना कहीं एक होता है कि अगर आप पेपर आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं आप उस जोन में आने लगते हो, यानी आपका ये पेपर आने वाला है। तो इसीलिए मेरा प्रिपरेशन कहीं बीच में रुका नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा जो भी प्रिपरेशन कर रहा है सिविल सर्विसेज का, कि कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रखना है। अगर कंसिस्टेंसी टूट जाती है बीच में, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि अब जो भी प्रिपरेशन है अब उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, और बाकी प्रैक्टिस करते रहना है लास्ट लास्ट तक। अगर नहीं हो रहा है तो भी कुछ दिन तक ब्रेक ले करके, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ब्रेक ले करके उसको फिर वापस से उसी मोड में आना है। अगर 1 महीने का 2 महीने का ब्रेक ले रहे हैं, तो इसका मतलब फिर आप ऑलरेडी बाहर हो रहे हैं पूरे रेस से। और सर यूपीएससी का साइकिल है, अगर इस साइकिल से बाहर नहीं निकला जाए तो सर इससे खराब मतलब और कुछ नहीं हो सकता है। लोग कई साल इसमें मतलब अपने इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब लास्ट में सक्सेस नहीं मिलता है तो ये बहुत ही ज्यादा वो खराब मोमेंट होता है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो प्रिंस इसमें मैं बस एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मैं बच्चों को हमेशा देता हूँ कि लाइक इन ए T20 क्रिकेट मैच हम जब खेलते हैं, कल इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता है, तो जब हम खेलते हैं मैचेस को T20 में, तो सिक्सर और फोर मतलब बाउंड्री हर बॉल पे नहीं आ पाती है, कोशिश तो यस यही होती है कि हर बॉल पे बाउंड्री लगे, बट बाउंड्री नहीं भी आ रही है तो सिंगल डबल लेते रहना चाहिए। जिस तरह से T20 क्रिकेट में एक डॉट बॉल एक क्राइम होता है, इसी तरह से कंपिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में ना एक डॉट डे
या एक डॉट वीक एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। आप बहुत ज्यादा आज मूड नहीं है पढ़ने का, आप 10-12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 2 ही घंटे पढ़ लो, रिवाइज कर लो चीजों को, कुछ नया यस आगे मत पढ़ो, जो पिछला पढ़ ले उसी को देख लो एक बार, है ना। लेकिन जिस दिन मूड है उस दिन फिर आप पूरा फोकस से अपना पढ़ दो, बिकॉज 10 दिन की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ 10 डेज हर रोज आप सेम एनर्जी से नहीं बैठ सकते, कभी अप भी आएगा तो कभी डाउन भी आएगा, बट डॉट डे नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे पढ़ते रहो, जैसे कि आपने बोला कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, तो बाउंड्री भी लगेगी अगर आप पिच पे डटे रहोगे तो, लेकिन कोशिश करो कि डॉट बॉल ना हो, बिकॉज डॉट बॉल के बाद जब प्रेशर बढ़ता है तो अगले बॉल पे गलत शॉट भी खेलना पड़ता है कई बार। तो इसीलिए आप हर रोज पढ़ते रहो, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो, और जिस दिन ज्यादा मूड हो उस दिन 10-12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे तक भी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है जा सकते हो, लेकिन डॉट डे ना हो इस चीज की आप कोशिश करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, डेफिनेटली सर। एंड प्रिंस एक चीज आप इसमें मुझे बताओ कि लाइक आपने बोला कि मैं कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करता था, तो आवर्स की बात करें तो एक दिन में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 12 घंटे से ऊपर पढ़ने की नीड नहीं होती है, 12 घंटे आराम से चीजों को मैनेज किया जा सकता है, 6 से 8 घंटे सोने के और बाकी 4 से 5 घंटे अपनी जो दिनचर्या होती है रेगुलर उसमें आपको देने चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लाइक 10 से 12 घंटे इज इनफ फॉर द प्रिपरेशन या फिर उससे ज्यादा देना चाहिए हमें? सर ये डिपेंड करता है, जैसे मेरा खुद का था कि मेरा कंसिस्टेंसी रहती थी 4-5 घंटे की। अगर मैं ठीक नहीं है पढ़ रहा हूँ तो 4-5 घंटे तो मैं पढ़ लेता था, ठीक है। लेकिन अगर पीक आवर्स चल रहा है, अगर एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है तो वो कभी 12 घंटे कभी 13 घंटे इतना जा पाता था। इससे ज़्यादा नहीं जा पाता है क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी की एक जो माइंड होती है, ह्यूमन माइंड की देखो एक कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो एक्सेप्ट करना बंद कर देती है। तो मैक्स टू मैक्स मेरा पीक आवर्स में 13 आवर्स 14 आवर्स इतना गया है, 14 भी नहीं गया मुझे लगता है अगर मैं ठीक से काउंट करूँ तो। बाकी एवरेज ऑन एवरेज देखा जाए, अगर उधर का 4 आवर्स इधर का 13 आवर्स ये सबको काउंट किया जाए तो ऑन एवरेज 6 to 8 आवर्स अगर कोई पढ़ रहा है तो इतना इनफ है कोई भी एग्जाम के लिए। बाकी आपका टेम्परामेंट होना चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए कि ठीक आप है, जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंट होकर जाइए बस। सही बात है। इसमें मैं एक स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा प्रिंस, आप सुनना एक बार, अगर आपको ठीक लगे तो आप भी अपना व्यू पॉइंट रखना इसके ऊपर। लाइक एक स्ट्रेटेजी है जो मैं बच्चों को देता हूँ जनरली, कि अगर आपका स्लीपिंग स्केड्यूल मान लो 6 घंटे का है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं 12 से 6 का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, कि रात को 12 बजे आप सो गए हो और 6 बजे आप उठ गए हो, तो 6 बजे उठने के बाद से लेके दोपहर के 12 बजे तक होते हैं 6 घंटे। अब ये 6 to 12 का जो टाइमिंग है ना, इस 6 to 12 के टाइमिंग में आपको टारगेट रखना है, घड़ी के हिसाब से क्लॉक के हिसाब से टारगेट करना है कि 3 से लेके 4 घंटे तक की एफिशिएंसी मुझे यहाँ पर निकालनी है पढ़ने में। तो जो 6 घंटे का स्लॉट नंबर 1 है, इस स्लॉट नंबर 1 में आप 3 से 4 घंटे की एफिशिएंसी निकालो। अब 12 बजते ही आपका स्लॉट नंबर 1 खत्म हो गया, स्लॉट नंबर 2 स्टार्ट हो गया, आफ्टरनून का टाइम आ गया 12 PM से 6 PM का, अगेन है जो 6 घंटे का स्लॉट है इसमें आपका टारगेट 2 होना चाहिए, अगेन 3 से 4 घंटे की एफिशिएंसी आप यहाँ निकालो, और फिर शाम को 6 से 12 का जो स्लॉट है फिर से वहां पे आप कोशिश करो 3 से 4 घंटे की एफिशिएंसी रखना। इस तरह से पूरे दिन में आप 9 से लेके 12 घंटे की एफिशिएंसी आप दे पाओगे। और ये जो 3 से 4 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आपको जरूरी नहीं कि एक साथ ही बैठ के देना है, अगर आप एक साथ दे पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इसको 2 स्लॉट में या 3 स्लॉट में भी डिवाइड कर सकते हो, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट हो सकते हैं या 2+1 हो सकता है, इस तरह से आप एक स्लॉट में 3 से 4 घंटे दे सकते हो। और पूरे दिन में हमें चीजों को डिवाइड कर देना, लाइक जो मेरे सामने सिलेबस है उस सिलेबस को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, लाइक अगर मैं मेंस की बात कर रहा हूँ तो एक स्लॉट में मैं फॉरेस्ट्री पढ़ूंगा, एक स्लॉट में मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, और एक स्लॉट में मैं फिर जो मेरा GS का पार्ट है, GK का पार्ट है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो इस तरह से एक दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया जाए 6-6 घंटे के, हर स्लॉट में 3 से 4 घंटे की परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करें, और चीजों को भी जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम आगे जब बढ़े तो इससे एक डेफिनेट टारगेट तक पहुंचा जा सकता है। प्रिंस आपका इसमें जो व्यू पॉइंट होगा आप दे यस सकते हैं। सर, डेफिनेटली मैं इसमें बस ये बोलना चाहूँगा कि जैसे जब कोई सुबह में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करता जी है जी डेली का जो होता है, तो जो सुबह सुबह जो सबका माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, तो एग्जैक्टली जो सबसे ज़्यादा इफिशियंसी है ये चीज़ इंश्योर कीजिए कि जो आपका जो सुबह से लेकर के जो भी 2 बजे 3 बजे तक का जो स्लॉट चल रहा है, एक स्लॉट दो स्लॉट जो भी चल रहा है, इसमें मैक्सिमम इफिशियंसी आप ले आइए। हाँ, डेफिनेटली अगर ये मैक्सिमम इफिशियंसी आ गई उसके बाद फिर वो ठीक है, उसके बाद फिर आप 3 बजे के 4 बजे के बाद जो भी आपकी एफिशिएंसी आ रही है, आप कुछ अगर
अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। कुछ लोग का होता है कि शाम में रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने के बाद फिर उनको फ्रेशनेस आती है, तो हाँ सही बात है। ये भी होता है। तो जैसे सुबह का स्लॉट आप ऐसे निकाल लीजिए एफिशिएंसी लेकर के, शाम में कुछ आप अपना कोई स्पोर्ट्स खेल करके या फिर कोई अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करके उसके बाद फ्रेश होके आते हैं, फ्रेश होते हैं दिमाग से, तो फिर उसके बाद जो पढ़ते हैं वहाँ पे भी इफिशियंसी आती है। तो इंश्योर कीजिए कि एक या दो बार इफिशियंसी आपकी आए, उससे आपका जो डेली शेड्यूल है वो मेंटेन रहेगा, 6 से 7 आवर आप आराम से इफिशियंट मतलब होकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। हम 4 घंटे मॉर्निंग में दे सकते हैं, 4 घंटे इवनिंग से नाइट वाले टाइम में दे सकते हैं, और बीच में अगर हम 1.5-2 घंटा भी देंगे तो फिर हाँ हमारा पूरा जो दिन है वो अच्छे से मैनेज हो अच्छे से जाएगा। यूटिलाइज हो जाएगा। यस सर डेफिनेटली। ग्रेट ग्रेट। तो जैसे आपने केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर इतना अच्छा आपने स्कोर किया, तो बहुत सारे बच्चे जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं सुन रहे हैं ना, वो एस्पिरेंट्स हैं जो गेट के लिए या PSUs के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? लाइक केमिकल इंजीनियरिंग में वो तो बड़ा डरते हैं यार, केमिकल इंजीनियरिंग में पता नहीं क्या आया हुआ बना रखा है ना? तो कितना आसान है केमिकल इंजीनियरिंग, कितना रेलिवेंट है डे टू डे लाइफ से, चीज़ें हम कितना विजिबली अपने सामने होता हुआ देख सकते हैं, और गेट और PSU के लिए कैसे अप्रोच करें, तो उसमें भी आप अपनी एक्सपर्टीज एक बार देना चाहोगे? सर जो ये केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर होता है, जैसे इंजीनियरिंग का जो भी पेपर होता है इन जनरल, थोड़ा अगर बिल्कुल टेक्निकल नेचर का ये होता है तो थोड़ा टफ तो होगा ही। तो बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं अगर आपको PSU में जाना है या फिर गेट को क्लियर करना है या फिर IFS का केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में स्कोर करना है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये बहुत ही कम सीट्स होती हैं। जैसे फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम्पल देख ले तो सिर्फ 150 सीट्स हैं और सही इसके बात है। लिए कई लाख लोग बैठते हैं, तो बहुत कंपटीशन टफ हो गया। साथ में गेट का भी देखें तो गेट का भी, जैसे मुझे भी IIT दिल्ली नहीं मिल पाया था मेरे टाइम पे, तो सही बात उसका है। मैंने दोबारा प्रिपरेशन नहीं किया वो अलग बात है, पर उस टाइम पर नहीं मिल पाया था। तो कहीं ना कहीं वो भी, वो जो टाइम था वो भी डिमांड कर रहा था कि मैं भी प्रिपरेशन थोड़ा और अच्छे से कर सकता था उस सही चीज़ से, बात है, ताकि सही बात मुझे है। IIT दिल्ली मिले। और PSU का भी सेम चीज़ है, तो आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मतलब पेपर को देख करके डरने की कोई जरूरत है नहीं। उसके प्रीवाइकल को अगर आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जैसे सर मैं आपसे केमिकल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल में पढ़ा था, जब मैं लेक्चर्स दिया था आपने 2020 में ऑनलाइन लेक्चर्स, तो मैं आपसे पढ़ा था वो चीज़। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़, कोई भी मेंटर अगर आपको गाइड कर रहा है तो उसको आप बस फॉलो करते जा रहे हैं, साथ में PYQ को अगर लगाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको डर नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, और डेफिनेटली आप करेंगे भी आगे चल करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड बहुत सारे बच्चों को ना एक डाउट होता है कि IAS तो सबको समझ में आता है, IPS भी समझ में आता है, IFOS की जब बात आती है तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आ जाता है कि एक्चुअल में IFOS का रोल क्या होता है। तो यस सर। आपने ऑब्वियसली इसके एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप अच्छे से बता सकते हो, तो एक बार ऑडियंस को इस चीज में भी अवेयर कर दो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर जो पर्सन IFS बनता है, DFO बनता है, तो DFO का बेसिकली रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं? यस सर डेफिनेटली सर। और सबसे अगर देखा जाए तो IFS की तैयारी करने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके आंसर्स जो है वो सबको जानना जरूरी ही है, कि इस सर्विस का रिक्वायरमेंट क्या है और इस सर्विस का एक्सपोजर क्या है। और सर अगर ये जो है, अगर अगर ये क्लिप हो सके तो आप अलग से भी डाल सकते हैं ये फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में, सिर्फ अगर ओवरऑल सर्विस का जो ये बात है, क्योंकि जी ये जानना, तैयारी करने से पहले सर्विस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये IFS है सर, ये IFOS तो खैर इसका नाम चेंज कर दिया गया है मीडिया वाले या फिर जो लोग चेंज कर दिए हैं, पर रियल में इसका नाम IFS है, इंडियन हाँ, फॉरेस्ट रियल में सर्विस तो IFS है, बस वो IFS है। IFOS में इसलिए यूज हाँ, करे हो ताकि ताकि बच्चे फॉरेन फॉरेन से से वो ना हो, कंफ्यूज ना हाँ हो जाए। फॉरेन से कंफ्यूज ना करें। तो ये एग्जैक्टली है। और सर ये पूरे इंडिया में सिर्फ 3 सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विस के अंदर ऑल इंडिया आती है, सर्विसेज, एक तो IAS बिल्कुल हो गया और एक IPS हो गया और एक IFS हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो जो भी पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिल रही होती हैं, जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM हो गए, SP हो गए या फिर DFO हो गए, तो पर्क्स एंड फैसिलिटीज सेम टू सेम तीनों लोग को है। सही बात है। और ये जो मिसकंसेप्शन रहता है लोगों में कि IFS फॉरेस्ट ऑफिसर है तो जंगल में ही रहना होगा, ऐसा नहीं है। DM बंगलों सही के पास ही बात DFO का भी बंगला होता है वहाँ पे, है। तो हाँ बिल्कुल पॉश लोकेशन जो होता है सिटी के वहाँ पे इनका बंगला होता है। साथ में जो भी इनके ऑफिसर्स वगैरह होते हैं फॉरेस्ट में भी होते हैं, और साथ में इनका एक अपने बंगला के अंदर भी होता है। और साथ में रही बात सर इनके अगर काम की, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स का रियल में काम किया है तो इनके कई सारे काम हैं। शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, जो भी पावर रेवेन्यू लैंड में होती है, जितनी पावर होती है DM को वही पावर फॉरेस्ट लैंड में DFO को होती है, सेम सही टू बात सेम है। पावर। जैसे कि अगर फील्ड इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग का काम हो,
जैसे प्लांटेशन वर्क कराना है, या फिर सिविल वर्क में जैसे कि रोड बनवाने हैं, या फिर गेस्ट हाउस बनवाने हैं, या फिर तालाब वगैरह बनवाना है, या फिर सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कोई भी इनिशिएटिव्स लेने हैं बड़े लेवल पे, तो वो हो गया। और साथ में जैसे पेट्रोलिंग एंड कंडक्टिंग रेड्स, कहीं रेड्स वगैरह मार रहे हैं, जैसे कि खासकर फॉरेस्ट एरियाज में स्मगलिंग के चांसेस होते हैं, माइनिंग माफिया से हमें लड़ना पड़ता है, तो उसके लिए जो हमारी पूरी फॉरेस्ट की टीम होती है, लगभग एक डिपो के अंदर देखा जाए तो 200 to 600 फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, सही बात है। तो डिपेंड करता है एरिया के अकॉर्डिंग। तो उसके उसको लेकर के हमें माइनिंग माफिया से और स्मगलर से, पोचर से भी जूझना पड़ता है, तो पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और साथ में पावर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और सर सबसे यूनिक चीज इसमें ये है कि फॉरेस्ट सर्विसेज में कि डीएम को जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने उसमें कार्य क्षेत्र में पुलिस की पावर होती है पर डायरेक्ट नहीं होती है, कोई भी अगर फोर्स को बुलाना होता है तो उन्हें एसपी को बोलना पड़ता है, सही बात है। पर डीएफओ में, और जुडिशियल पावर अलग होती है, जुडिशियल पावर को डिस्ट्रिक्ट जज देख रहे होते हैं। फॉरेस्ट सर्विसेज में ऐसा होता है कि चाहे वो जुडिशियल पावर हो, चाहे वो पुलिस का पावर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, ये तीनों पावर एक ही पर्सन के अंडर आता है, वो है डीएफओ। अमेजिंग। तो ये पावर जो होती है ये काफी मतलब स्ट्रॉन्ग बनाती है इस चीज को लेकर के। और साथ में सर अगर जैसे कि इको टूरिज्म को डेवलप करना है, आपको अगर ये है कि नहीं इस जो वेटलैंड है इसको रिस्टोर कर देते हैं, या फिर इको टूरिज्म बना देते हैं, या फिर टूरिस्ट के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, अगर इसको आप क्रिएट करना चाहेंगे, तो वो पूरा आपका वो है वो कार्य क्षेत्र में आएगा। और सर एक वर्किंग प्लान नाम का कीवर्ड होता है कि अगर किसी भी पूरे फॉरेस्ट एरिया में वर्किंग प्लान होता है कि क्या क्या डेवलपमेंट लाने हैं, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, ब्रिज बनाने हैं, या फिर डैम बनवाने हैं, या फिर रोड बनवाने हैं, तो जितने भी ये, या फिर जो भी कंजर्वेशन करना है, प्लांटेशन करना है, ट्रीज का कंजर्वेशन करना है, एनिमल का कंजर्वेशन करना है, तो इन सब की एक डिटेल प्लान आती है जो कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट यही करते हैं डीएफओ। और डीएफओ सर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, हो सकता है कि जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं तो डिविजनल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, इसके अंदर हो सकता है कि 3 से 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं, तो इसीलिए जो एरिया ऑफ जो इनका होता है वो सुपरविजन काफी ज्यादा हो जाता है। और साथ में सर जैसे कोई भी कोर्ट केसेज होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं जो रेवेन्यू लैंड जो होता है, जो भी डिस्प्यूट होता है उसको देख रहे होते हैं, तो सर जो फॉरेस्ट लैंड होता है, तो फॉरेस्ट लैंड में कोई भी होता है कि अगर गैर कानून तरीके से किसी जमीन को ले लिया, या फिर ट्राइबल्स को जमीन प्रोवाइड करवाना है, या फिर कोई भी डिस्प्यूट हो गया लैंड से रिलेटेड, तो ये जाता है डीएफओ के कोर्ट में, और डीएफओ उस टाइम पे कलेक्टर बन करके इस चीज को डील कर रहे होते हैं, तो वो कलेक्टर का कोर्ट बन जाता है, फिर वो डीएफओ कम कलेक्टर हो जाता है, सही बात है। तो ये होता है। और साथ में सर अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना है, यहाँ भी सर डीएफओ की एक इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे। साथ में जो फ्रिंज विलेजेस होते हैं, जो खासकर जो ट्राइबल्स होते हैं जिनके पास वेरी लो वॉइस होता है अपने चीजों को आगे प्रोजेक्ट करने के लिए, तो इनका डेवलपमेंट में फॉरेस्ट ऑफिसर्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के साथ साथ जो ये इसमें होता है। और सर अपना विलेज डेवलपमेंट ये कर सकते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स, सिटीजन से डील कर सकते हैं, जैसे टिम्बर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, या फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1921 के तहत अगर जो भी चीजें हमें प्रोवाइड करवानी है, ट्राइबल्स को करवानी है, या फिर ट्राइबल्स लैंड में जो काम करवाना है, ये सारी चीजें डीएफओ के अंदर ही आता है। और साथ में सर ये इसका जो पर्क्स है आगे, जैसे कि फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, इसके काफी ब्राइट है। अगर आईपीएस की तुलना में देखा जाए तो जो प्रमोशनल एस्पेक्ट और जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं ये फॉरेस्ट सर्विस की बेटर है, स्पेशल सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरी हो गया, या फिर असम मेघालय में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बनाते हैं कई सारे डिपार्टमेंट में, चीफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं, जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, या फिर डेयरी डेवलपमेंट हो गया, या फिर टूरिज्म हो गया, ऐसे कई सारे सेक्टर्स में इनका पोस्टिंग होता है। और साथ में सर जैसे एनएचआरसी में हो गया, वहाँ पे भी आपको सेक्रेटरी बना के भेज सकते हैं, सेंट्रल डेपुटेशन होता है। और सर सबसे अच्छी बात इसमें फॉरेन टूर होता है, बढ़िया सा है बिल्कुल, ट्रेनिंग के टाइम पे फॉरेन टूर भी होता है, फॉरेन अटैचमेंट्स भी होते हैं कई सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उन उनके साथ, और फॉरेन डेपुटेशन भी होता है, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर आईयूसीएन हो गया, तो जितने भी फॉरेन एजेंसीज हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफी कंसर्न है, उस पे आप डेपुटेशन पे जा करके और आप वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो सर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सर्विसेज है इसका, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या होता है कि पब्लिक डीलिंग ज्यादा है इसलिए उस सर्विस को लोग ज्यादा जानते हैं, पर फॉरेस्ट सर्विसेज का जो सर्विस है वो लगभग इसका भी उतना ही काम है, बस चीजें उससे इतना है कि ज्यादा ही लोग, काम है, हाँ कम नहीं है। हाँ लोग बस ये है कि जो जानकारी नहीं है चीजों को लेकर के, क्योंकि पब्लिक डीलिंग थोड़ी कम हो रही है, और जो ये यूट्यूब पे ग्लैमराइजेशन चलता है कि ये नहीं आईपीएस आईएएस इस चीज को लेकर के, तो थोड़ी ज्यादा है, इसलिए ये सर्विस थोड़ी सी हिडन सर्विस है, बाकी पर्क्स फैसिलिटीज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज
सब सेम है सर। ग्रेट। तो गाइज आपने सुना कि क्या क्या चीज़ें IFAs के अंदर आती है और क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक IFAs ऑफिसर प्ले करता है। तो ये सुनने के बाद आपके सारी जो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होगी। और एक चीज़ इसमें ये चीज़ है प्रिंस की, ये सब काम जब हम करेंगे ना तो जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसकी तो हम यहाँ पे मतलब कोई कीमत लगा ही नहीं सकते, yes, है ना sir. क्योंकि आज भी हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर किसी की मदद करते हैं, किसी एनिमल की मदद करते हैं या पेड़ को कटने से रोकते हैं या पेड़ लगाते हैं, तो उस दिन जो पर्सनल खुशी मिलती है ना वो खुशी अलग होती है। एंड बीइंग एन IFAs ऑफिसर तो आपने अपनी पूरी लाइफ ही डेडिकेट कर दी है सोशल कोर्स के लिए, तो डे टू डे बेसिस पे जो सेटिस्फेक्शन है वो इंटरनल सोल की जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग लेवल पर है। और दूसरा इतना मतलब जैसे हम आज देख पा रहे हैं दिल्ली फरीदाबाद NCR के अंदर की पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आप आपकी फैमिली एक ऐसे एरिया में रहेगी जहाँ पे हमेशा मतलब क्लीन एनवायरनमेंट रहेगा, क्लीन वाटर रहेगा, मतलब जो फिजिकल एक ग्रोथ रहेगी बॉडी की तो वो भी एक अच्छी तरह से हम आगे सोच सकते हैं कि यार फिजिकली हम अच्छा ग्रूम कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट पे पल रहे हैं, और मेंटली जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, क्लाइमेट के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना, तो वो भी। और प्लस जो आपने बोला कि पावर रहेगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पक्स रहेगी, वो सब तो है ही, और उसके साथ ये दो तीन जो एडिशनल एडवांटेज मिलेंगे वो तो एडवांटेज ना तो IAS के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ना APS के अंदर है, या ना किसी और सर्विस के अंदर है। yes, वो एडवांटेज तो सिर्फ IFAs एग्जाम के थ्रू ऑफिसर बनने में ही है कि जो मेंटल और फिजिकल सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिल सकती है वो कहीं और तो नहीं मिल सकती। यस सर। ग्रेट। तो प्रिंस अब आगे आपका मतलब पेरेंट्स तो काफी खुश हो गए, ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आप सिलेक्ट हो गए हो, है ना, लाइक आपके आसपास जो भी एरिया है नॉन एरिया में सबको पता लग गया होगा, रिलेटिव्स को सबको, तो एवरीवन आई थिंक इज वेरी हैप्पी। फोन कॉल्स भी आ रहे होंगे और अब सब पूछ रहे होंगे प्रिंस हमारे बच्चों को गाइड कर दो, तो वो जो सिलेक्शन के बाद का टाइम था, वो जो मोमेंट था, थोड़ा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कीजिए कि फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स उनका क्या रिस्पॉन्स था, वो कितने खुश थे। सर जब रिजल्ट आया था तो उस समय मैं यहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही था, तो जब रिजल्ट आया और रिजल्ट में जब मैं ये देखा कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 है तो मुझे तो पहले खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि 15 कैसे आ गया, क्योंकि सर्विस में बहुत पता बड़ी नहीं बात होता है, है। बहुत हाँ, बड़ी बात है। कैसे आ गया, मुझे पहले सही विश्वास नहीं था। उसके बाद जो फोन कॉल्स आने स्टार्ट हुए हैं वो तो भाई मैं काउंट भी नहीं कर सकता कि कितने फोन कॉल्स आए थे उस टाइम पे। देखा जाए तो हो सकता है ये कहना मतलब, लेकिन देखा जाए तो 100+ हो गए थे, अब एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं, राम से, पर राम से। इतने तो आराम से आ गए होंगे। बाकी होता है उसके बाद जो आपका कनेक्शन होता है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं कि आपको एक से एक ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जो सर्व कर रहे हैं नेशन को, उनके तरफ से भी मैसेज आने लगते हैं, तो एक तरीके से आप जो है एक इलीट सर्विस के पार्ट बन जाते हैं। सही बात और है। उसके साथ साथ एक आपके ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने लगती है कि नहीं, आप अगर आप किसी का काम करवाना चाहते हैं, जैसे किसी का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है या फिर किसी को अपने विलेज में कोई दिक्कत आ रही है, किसी सीनियर ऑफिसर को बात नहीं कर पा रहा है, तो मैं ये काम मेरा यहीं से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है। मैं अभी से ही कोऑर्डिनेट करके और किसी भी जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर डिविजनल फर्स्ट ऑफिसर से या फिर लोकल लेवल पे BDO हो गए, CO हो गए, इन सब से बात करके मैं ये सब काम अभी से ही करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और सर इसका मतलब जो हैप्पीनेस होता है जब वो काम होने के बाद जो इंसान जब मुझे थैंक यू बोलता है, थैंक यू तो बोलते हैं, डेफिनेटली सही बात बहुत है, बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम पे। बहुत बड़ी बात है कि हम हेल्प करवा पा रहे हैं और वो हेल्प बहुत बड़ी चीज है। मतलब इंसान फाइनेंशियली या फिजिकली कितना ही ग्रो कर जाए, बट जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं ना, उससे जो हमें खुशी मिलती है वो अलग ही लेवल की होती है। और इस सेशन से भी हजारों केमिकल इंजीनियर्स को आगे हेल्प मिलने वाली है और उनको भी आगे इस एग्जाम के बारे में अवेयरनेस होगी, तो बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करेंगे। जैसे प्रिंस ने बताया कि इतने केमिकल इंजीनियर्स इस साल बैठे थे मेंस में 10, और 10 में से 7 पेपर देने आए थे। मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रिंस की इस सेशन को देखने के बाद ये नंबर जो है वो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो और केमिकल इंजीनियर्स गेट एंड PSU के बाद UPSC के बारे में भी सोचे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिंस आज जो आई थिंक PSU के अंदर बैठे हैं, इंडियन ऑयल में है, ONGC में है, EIL में है, और बहुत सारे PSU के अंदर है, या अच्छे अच्छे प्राइवेट जॉब्स के अंदर वो काम कर रहे हैं, अच्छा पैकेज कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर उनके अंदर है कि यार मुझे और बेटर करना है इससे, तो वो डेफिनेटली इस एग्जाम की तरफ सोच सकते हैं, इस एग्जाम को देख सकते हैं, बिकॉज वो केमिकल इंजीनियरिंग क्रैक करके वहां तक पहुंचे थे और उसी केमिकल इंजीनियरिंग की हेल्प से वो यहाँ भी पहुंच सकते हैं, है ना। और आप एक बार ये भी बताइए कि बीइंग ए केमिकल इंजीनियर
ये चीज पॉसिबल है, लाइक आपने क्रैक की है, डेफिनेटली है। आपने क्रैक की है। और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में इतना अच्छा मार्क्स स्कोर करके ये प्रूफ भी किया है कि नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग में मार्क्स लाए जा सकते हैं, और सिर्फ मार्क्स नहीं लाए जा सकते हैं बल्कि हाईएस्ट मार्क्स लाए जा सकते हैं सर। डेफिनेटली केमिकल इंजीनियर्स अगर प्रिपेयर करते हैं और अगर ऐसा ही अपना मेहनत लगाए रखेंगे तो डेफिनेटली सर वो सक्सेस पाएंगे आगे चल के भी। जैसे आपने बोला था कि पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज से ही स्ट्रेटेजी मिलती है। तो हम ये सोच रहे हैं आगे कि जो यूपीएससी मेंस में जो केमिकल इंजीनियरिंग के पीवाईक्यूज है उसकी एक सीरीज लॉन्च करें, जिसमें एक एक पीवाईक्यू के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बच्चों को उसके बारे में बताएंगे, उसका क्या आंसर हो सकता है, कैसे लिख सकते हैं। और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसी सीरीज अगर लॉन्च होती है लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यूज की केमिकल इंजीनियरिंग मेंस के, तो कितना हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए? सर डेफिनेटली जैसे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जब मैंने अपने टाइम पर जब स्टार्ट किया, जब 40 दिन बचे थे, तो मेरे से पीवाईक्यू के एक भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे और उसके सॉल्यूशंस भी कहीं नहीं थे। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है जो बार्क में साइंटिस्ट है, तो उससे मैंने हेल्प लिया। उसने फिर बताया कि नहीं, इस क्वेश्चन को जो है, मैं जबकि गेट का प्रिपरेशन किया था फिर भी मुझे इशू आ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, सही बात 3 साल है, से ऊपर हो गए थे। तो उसने फिर मुझे हेल्प किया, सॉल्यूशन तैयार कर करके भेजा। अगर सर ये चीज़ जैसे अगर आपकी टीम अगर बनाती है, हर एक पीवाईक्यू को सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड करती है, डेफिनेटली सर ये जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन को ले रहे हैं, वो हिम्मत भी कर पाएंगे कि नहीं ऑप्शन लेना चाहिए। जो मिसगाइड हो जाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग डर के, बाकी केमिस्ट्री ले लेते हैं और मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते, तो वो फिर केमिकल इंजीनियरिंग को चूज करेंगे और अकॉर्डिंगली वो अपने स्ट्रेटजी को रिफाइन ट्यून करके और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। ग्रेट। तो पूरी पूरी कोशिश रहेगी हमारी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की, और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए केमिकल इंजीनियरिंग के पीवाईक्यूज की एक पूरी सीरीज लॉन्च करने की। और उसमें प्रिंस आपकी भी हेल्प चाहिए होगी, एंड आई एम श्योर कि आप भी पूरा मदद करोगे, आगे सपोर्ट सर करोगे, है जरूर करेंगे सर। ना। और ये बहुत ही अमेजिंग सेशन था, बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यू था, और बहुत सारे बच्चों को यहाँ से मोटिवेशन, गाइडेंस और इंस्पिरेशन मिला होगा। एंड आई एम श्योर अब बहुत सारे बच्चे अब आईएफएस के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। तो गाइस, आप में से जो भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अब हमें यूपीएससी के लिए जाना है, आईएफएस क्रैक करना है, तो गाइस आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो मेरी गाइडेंस में, मेरी टीम के गाइडेंस में आप आईएफएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड प्रिंस के जैसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स जो केमिक्रल इंजीनियर्स है और जिन्होंने आईएफएस क्रैक किया है, वो मेरे नेटवर्क में है, और उनकी भी हेल्प मैं लेता रहूंगा आगे भी, और आपको गाइड करता रहूंगा। और अगर आप करना चाहते हो, आप बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली पूरी पूरी यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाएगी ताकि आप आईएफएस आगे बन पाओ। तो प्रिंस, जाते जाते कोई लास्ट मैसेज उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ये सेशन देख रहे हैं, और सेशन देखकर उनके मन में आ गया है कि यार यूपीएससी के लिए जाना है, आईएफएस बनना है, एनी लास्ट मैसेज? सर लास्ट मैसेज मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर ठान लिया है तो फिर बिल्कुल लग जाना है, यूपीसी की अगर तैयारी करनी है तो ये चीज़ तो रहेगा ही कि हो सकता है कि फेलियर आ जाए, पर फेलियर से ना डरते हुए अगर आपने ठान लिया कि बिल्कुल करे कर के ही रहेंगे, फॉरेस्ट सर्विस या फिर सिविल सर्विस निकाल के ही रहेंगे, तो फिर कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आएगा कि कंसिस्टेंसी आपको देख करके भी ऊपर वाला भी मतलब आप पे मेहरबान जरूर होगा और आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और आप जरूर फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्जाम में अपने आप को रिकमेंडेड पाएंगे और फिर सेम टू सेम आप जैसे कि जो भी इलीट सर्विसेज का पार्ट बन पाएंगे और एक बड़े लेवल पे जो भी इम्पैक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। तो ये मेरा सर लास्ट मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स को, और कभी हारना नहीं है बिल्कुल भी जब तक सिलेक्शन ना हो। सो गाइस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड आर द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल लाइक द प्रिंस, देन जस्ट फॉलो वॉट ही सेड। उसने जो जो बोला है मेक नोट ऑफ इट, बड़े बड़े शब्दों पर मेरे डायरी पे कहीं पे लिख दो, डेली उसे देखो, फॉलो करो। बिकॉज मैं फिर से ये बोलना चाहूंगा कि ही ऑलरेडी अचीव्ड द सक्सेस, एंड इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल जस्ट फॉलो हिज फुटस्टेप्स। उसने जो जो काम करके सक्सेस हासिल करी है, आप भी बस उन्हीं स्टेप्स पे चलते रहो, उसी को 100% फॉलो करते रहो, ईमानदारी से अपना काम करो, तो आप भी डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। और ये जो सीरीज एक्सपर्ट टॉक की गाइस, इसमें और भी नए नए सेशंस आते रहेंगे, और इसी तरह गाइस आप बने रहिएगा और अपना बेस्ट देते रहिएगा, ठीक है? और हम और मैं हम और आपकी पूरी टीम आपके साथ हमेशा
बनी रहेगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रिंस की जो जर्नी है वो रियली में एक मोटिवेटिंग, एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, और इस जर्नी से गाइस आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड इस जर्नी के बाद आई एम श्योर कि आप भी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे। तो गाइस, केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं और मेरी टीम पूरी तरह से रेडी है आपको उस ऑप्शनल की प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो गाइस, जो गेट एग्जाम की, पीएसयू एग्जाम की हम अभी तक प्रिपरेशन करवाया करते थे, इसी के अंदर अब हम यूपीएससी के मेंस में जो केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल होता है उसकी प्रिपरेशन भी, उसके टॉपिक्स भी अभी से प्रिपरेशन के बीच में हम ऐड कर रहे हैं। तो आप जो सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो भी गेट एग्जाम के लिए अनअकैडमी पर, वो सब्सक्रिप्शन नॉट ओनली फॉर द गेट, नॉट ओनली फॉर द पीएसयू रिटन एग्जाम, नॉट ओनली फॉर द पीएसयू इंटरव्यू, बल्कि यूपीएससी के मेंस में जो केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर आता है उसके लिए भी आपको रेडी करेगा, उसके लिए भी आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। तो गाइस, केमिकल इंजीनियर ऑप्शनल की पूरी प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर मैं सिलेक्शंस की बात करूँ गाइस, तो गेट 2024 से हम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी कि फ्रॉम गेट 2024 टोटल मिला के अनअकैडमी प्लस से 40 प्लस स्टूडेंट्स ने टॉप 100 के अंदर अपनी जगह बनाई है गाइस। तो एक सिंगल इंस्टीट्यूट से 40 प्लस स्टूडेंट्स का आना ये बहुत बड़ी बात होती है। विद नेम, विद रैंक एंड विद फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर सारे 40 स्टूडेंट्स देख सकते हो, और ना सिर्फ देख सकते हो, आप इनसे बात कर सकते हो। मतलब ये फोटोग्राफ्स वो फोटोग्राफ्स नहीं है कि जब एक सिलेक्शन आता तो सारे इंस्टीट्यूट उसकी फोटो छाप देते हैं। ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये सब मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, और एक एक बच्चा जानता है कि अनअकैडमी का, अंकुर बंसल सर का, उनकी जर्नी में, उनके सिलेक्शन में क्या रोल रहा है। और आज इन्हीं स्टूडेंट्स के बहुत सारे जूनियर्स अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी मेरी गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट ईयर मेरा पूरा टारगेट है, पूरी कोशिश है कि अब इस साल 2025 में 60 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो गेट 2025 के अंदर टॉप 100 में अपनी जगह बनाए। और गाइस, इस बार मैंने जो ये दो फोटोज बनाई है टॉपर्स की, नेक्स्ट ईयर आई विल गिव माई 100% ये दो नहीं, तीन फोटोज बने, 20-20-20 करके तीन स्लाइड्स में मैं सारे टॉपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दू थ्रू गेट 2025। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आप भी पूरी कोशिश करो, जान लगाओ कि गेट एग्जाम के अंदर हमें टॉप 100 के अंदर रैंक लानी है। बिकॉज अगर यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो उससे पहले गेट एग्जाम की अचीवमेंट आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज एक बड़ी अचीवमेंट करने से पहले एक छोटी अचीवमेंट अगर आपके पास रहेगी तो बड़ी अचीवमेंट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लाइक प्रिंस भी जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो एसएससी सीजीएल उसने क्रैक किया, फिर बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम उसने क्रैक किया, यूपीएससी सिविल्स में यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस उसने क्रैक किया, और आईएफएस एग्जाम के अंदर भी उसने प्रीलिम्स, सिविल्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू क्रैक करके फाइनली अपना जो 15th रैंक था वो हासिल किया। तो गाइस, आप भी इसी तरह एक एग्जाम बाय एग्जाम अगर आप चीजों को क्रैक करते चलोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्लाउड 7 पे चला जाएगा, और आप बड़े आसानी से चीजों को समझ पाओगे और क्रैक कर पाओगे। तो जो जर्नी है गाइस, गेट की जर्नी, ये शुरू होती है। और अब इस जर्नी में मेरा सपोर्ट करने के लिए अंकुश गुप्ता सर, जो कि मेरे पुराने साथी रहे हैं और पिछले 13 साल से हम दोनों केमिकल इंजीनियरिंग को सर्व करते आ रहे हैं, तो मेरे साथ अब वो अनअकैडमी पर आ गए हैं। और अनअकैडमी में अब जो सब्जेक्ट्स मैं नहीं लेता हूँ, लाइक केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस कैलकुलेशन, फ्लूड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड द एप्टीट्यूड पार्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स अब अंकुश गुप्ता सर डील करने वाले हैं। तो आपको अब किसी भी सब्जेक्ट के लिए कहीं और देखने की नीड नहीं है, बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है हम आपको करवाने वाले हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो बेस्ट कंटेंट है वो हम आपको देने वाले हैं, ताकि आपके गेट की, पीएसयू की और यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आपको बहुत, आपके लिए आसान बन जाए, और इस प्रिपरेशन के बाद आपको सिलेक्शन लाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो ए एन ए
अंकुर एंड अंकुश की जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी आपको अपना ड्रीम पूरा करने में पूरी मदद करने वाली है गाइस। एंड गाइस जैसे कि आप सब जानते हो कि 12th ऑफ जुलाई से हीट ट्रांसफर ऑपरेशन बिगिन होने वाला है, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन आप उससे अगर लाइव पढ़ना चाहते हो, मेरे से लाइव फंडामेंटल समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो गाइस हीट ट्रांसफर ऑपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम 12th ऑफ जुलाई एट 9 PM। क्लासेस विल बी डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। एंड गाइस हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के बाद अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हो सो दैट मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, तो अनअकैडमी पर आप मुझे इस बारकोड को स्कैन करके या फिर अंकुर बंसल के नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। और अनअकैडमी पर जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे वो गेट का हो या नॉन गेट का हो, आपको जो कोड अप्लाई करना है वो कोड है अंकुर 073। बाय अप्लाइंग द कोड अंकुर 073 गाइस यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड साथ ही साथ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी उसके अंदर। तो पर्सनल गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग एंड काउंसलिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। और गाइस अनअकैडमी की अगर मैं बात करूं तो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एम वर्किंग एज एन HOD इन द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन द अनअकैडमी प्लस। और साथ ही साथ अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो 6 सब्जेक्ट्स के साथ मैं डील करता हूं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जिसके लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बच्चे मुझे प्यार से गुरु ऑफ यूनिट ऑपरेशंस बोलते हैं और ये सब आपके प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। दैट आई एम द मोस्ट वॉच्ड एजुकेटर इन द अनअकैडमी प्लस इन मैकेनिकल एंड केमिकल अक्रॉस बोथ द ब्रांचेस। तो गाइस केमिकल में मोस्ट वॉच्ड होना एक बड़ी बात है, बट मैकेनिकल केमिकल दोनों में सारे एजुकेटर्स में मोस्ट वॉच्ड होना एक बहुत बड़ी बात है गाइस। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू एंड मेकिंग मी द मोस्ट वॉच्ड एजुकेटर इन द अनअकैडमी प्लस अक्रॉस मैकेनिकल एंड केमिकल बोथ। तो गाइस ये जो जर्नी है इसी तरह आगे चलती रहेगी। और जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो, और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास रहता है जहां पर मेंटर की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि वन ऑन वन आपके डाउट भी सॉल्व करेगा और साथ ही साथ आपको आगे गाइड भी करेगा। बट कुछ भी आप लो, प्लस लो आइकॉनिक लो, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। मेरी गाइडेंस प्लस वालों को भी रहेगी और आइकॉनिक वालों को भी रहेगी। जो भी बच्चा अंकुर 073 कोड से सब्सक्राइब करेगा उसको मेरा सपोर्ट पूरी तरह से डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। एंड गाइस आप अगर किसी और कोड से भी सब्सक्राइब हो गए हो तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आपकी भी मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा। एंड गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो और इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे जितने भी सेशंस है, मटेरियल है, कंटेंट है, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग। तो इस टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लो अभी के अभी, ताकि आपको सारी गाइडेंस यहाँ पर मिलते रहे। सो गाइज याद रखना अंकुर 073 इज द कोड। गेट एग्जाम की तैयारी के लिए नए बैचेस स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो गाइस उन बैचेस में एनरोल करने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करो बाय यूजिंग द कोड अंकुर 073। और सब्सक्राइब करने से पहले, बाद में नहीं, पहले एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लो, मुझसे बात कर लो, बता दो आप कौन से कॉलेज से हो, कौन से सेमेस्टर में हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, कौन सी IIT से मास्टर्स कर रहे हो, जो भी आपका करेंट स्टेटस है गेट में, जो भी आपका लेवल है उसके बारे में मुझे अवेयर कर दो, सो दैट सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैं आपको उसी मिनट से गाइड करना शुरू कर दूं और बता दूं कि आगे कैसे मूव करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है। मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जाकर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड गाइज @AnkurSirChemical इस ID पर भी आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, सो दैट आपको पूरी गाइडेंस मेरी तरफ से प्रोवाइड होती रहे। सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। इस तरह के सेशन आपके लिए मैं और भी आगे भी लाता रहूंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट गाइस।